मैं सुनाई दे रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है, मैं सुनाई दे रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है, मैं सुनाई दे रहा हूं। आप चैट पे बताएं प्लीज। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के पास फिर से हाजिर हो गया हूं। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज की क्लास में, आज की सोशल जस्टिस के क्लास में। गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप सबकी शुभकामना है। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, सलाम, नमस्कार, राधे राधे। चलिए मैं चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लिया, अब थोड़ी विषय पे हम लोग बातचीत करते हैं। आज से मैं सोशल जस्टिस की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आपका यूपीएससी मेंस में जो जनरल स्टडीज का पेपर है, उसमें जो पेपर टू है, उसी का एक पार्ट है सोशल जस्टिस। हम लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस देखा है, आपके सामने स्क्रीन पर है, सिविल सेवा परीक्षा। और इसमें मेंस पे जब हम फोकस करते हैं, मुख्य परीक्षा पर जब हम फोकस करते हैं, तो जीएस 1000 अंकों का है। और इस 1000 अंक में आपका 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 250 अंकों का। और पेपर 2 में जो सेक्शन है एक, वो है सोशल जस्टिस का। आपके सामने इसको हम आगे लेकर चलते हैं, केवल मेंस का। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 में आपका हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है और ज्योग्राफी है। हिस्ट्री के कुछ खंड इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। पेपर 2 में पॉलिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल जस्टिस है और गवर्नेंस है और आईआर है। ये पेपर 2 में आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही मैंने यहां रख दिया है। शासन व्यवस्था, संविधान और शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय, आईआर। पेपर 3 जो है आपका इंडियन इकोनॉमी है, साइंस टेक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। और पेपर 4 जो है आपका वो एथिक्स का पेपर है। ये सब आप पहले से जान चुके हैं, कई बार इस पर आप डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो इसी खंड का जो हमारा सोशल जस्टिस वाला खंड है, वो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं। ये है आपका सोशल जस्टिस, जो आपके ठीक है। तो हम लोग शुरू करें, अनुमति है, आप लोगों की जो लिखी हुई बातें हैं बहुत तेजी से गुजर रही है। बच्चा बैच 2 में कब से स्टार्ट होगा सोशल जस्टिस? आज से स्टार्ट होने जा रहा है बच्चा सोशल जस्टिस। राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा। सोसाइटी का सारा नोट्स अपलोड हो गया है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं जो हमारी टीम है, अदरवाइज हमारी जानकारी में सारा अपलोड हो चुका है कंप्लीट। जो उमेन वाला सेक्शन है वो रोक कर रखा गया है। जब आपने सिलेबस को देखा होगा, जब आपने कंटेंट को देखा होगा, तो कंटेंट में जो उमेन वाला सेक्शन है वो रोक के रखा गया था,
क्योंकि उमिन वाला इंडियन सोसाइटी का सेक्शन, सोशल जस्टिस का सेक्शन और निबंध, इससे तीनों को इंटीग्रेट करके मैं एक साथ पढ़ाता हूं, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका 10-11 चैप्टर है वो मैं आपको प्रोवाइड उसी समय कराऊंगा, बाकी का सारा दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज सोशल जस्टिस पे शुरू करते हैं इसके बारे में। और सबसे पहले शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें यूपीएससी के सिलेबस को समझना है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, और तब जाकर के हमको टॉपिक को पढ़ना है, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि टॉपिक कैसे हमें पढ़ना है। सिलेबस देखने से समझने से पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है उसका रेंज हमारा क्या होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ें, इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। बच्चा पेपर वन हमें बताता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, पेपर वन हमें बताता है कि हमारा भारतीय समाज कैसा रहा है और कैसा है, पेपर वन हमें बताता है कि हमारा भूगोल कैसा रहा है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां कैसी रही है, इन सब के बारे में आपको ज्ञान देता है। और जब पेपर टू में आप जाते हैं तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का क्या है एट प्रेजेंट, इस पॉलिटिकल सिस्टम का क्या लक्ष्य है, गवर्निंग सिस्टम क्या है, क्या इनका लक्ष्य है, और फिर आपका एक सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन का। आज चूंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं इसलिए आज इंटरनेशनल रिलेशन की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत बिल्कुल अकेले नहीं है बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध और दुनिया के अन्य देशों के साथ आपसी संबंध भी हमारे सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, हमारे समाज को प्रभावित करते हैं, हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम लोगों को, या अगर हम कहें कि आप अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हैं तो आपको कम से कम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, इनके क्या लक्ष्य हैं, क्या गोल्स हैं, और फिर इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में एक समग्र जानकारी होनी चाहिए। फिर पेपर थ्री में अपेक्षा की जाती है कि आप इंडियन इकोनॉमी का माइक्रो लेवल पर स्टडी करो, आप साइंस टेक के बारे में जानो, जो कुछ प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में आप जानो, जो प्रॉब्लम्स इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसके बारे में आप जानो, कुछ प्रॉब्लम्स डिजास्टर से रिलेटेड है उस प्रॉब्लम्स का क्या मैनेजमेंट मैकेनिज्म है इंडिया का वो आप जानो, तो आपका ये तीन पेपर कंप्लीट करता है। और फोर्थ पेपर इस बात को एग्जामिन करता है कि आप योग्य तो हैं, तीन पेपर ने आपकी योग्यता को एग्जामिन कर लिया, आपकी क्षमता को एग्जामिन कर लिया, बट आप एथिकल हैं कि नहीं, आप यूपीएससी लायक आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं, सिविल सेवा लायक आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं, और किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपकी क्षमता है कि नहीं, इन सब चीजों को एग्जामिन किया जाता है आपके पेपर फोर में। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आज पेपर टू पे फोकस्ड है, और पेपर टू पे जब हम फोकस्ड है तो थोड़ी सी पीछे वाली बात मैं आपको याद दिला दूं। हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी पढ़ते समय मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया था कि आजादी के बाद हमने आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण के लक्ष्य को लक्षित किया, उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि परंपरा क्या है और आधुनिकता क्या है। परंपरा के मूल्यों पर आधारित समाज परंपरागत समाज कहलाता है और आधुनिकता के मूल्यों पर आधारित समाज आधुनिक समाज कहलाता है। और आधुनिकता का मूल्य क्या है, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय। परंपरा धर्म के आधार पर संगठित होता है और आधुनिकता का आधार तर्क और विज्ञान है।
तो तर्क और विज्ञान की प्रधानता, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों की प्रधानता प्रमुख आधुनिक मूल्य है और इन्हीं पर आधारित समाज को हम आधुनिक समाज की संज्ञा देते हैं। यह हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी में समझा था। हम लोगों ने वहां यह भी देखा कि आजादी के बाद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने भारतीय समाज को एक आधुनिक समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया। स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित समाज, समानता के मूल्यों पर आधारित समाज और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज, तर्क और विज्ञान आधारित समाज। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने राज्य के नेतृत्व को स्वीकार किया, जनता द्वारा चुनी हुई राज्य या सरकार के नेतृत्व को स्वीकार किया, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को इसके लिए स्वीकार किया कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा राज्य के नेतृत्व में नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, विकसित भारतीय समाज के निर्माण को लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, अर्थात विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और एक समानता से युक्त समाजवादी समाज के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। मतलब राज्य के नेतृत्व में हमें एक आधुनिक भारतीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना है, राज्य के नेतृत्व में हमें विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है, सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है और राज्य के नेतृत्व में हमें समाजवादी समाज के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। यह संविधान जनता के हित में काम करेगा, मानवतावादी मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करेगा। क्या है जनता का हित, इसको हम लोगों ने मौलिक अधिकार में देखा, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो डिफरेंट आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, वो बताते हैं कि भारत की जनता का हित किसमें है, भारत की जनता का इंटरेस्ट किसमें है और फिर इस हित को, इस इंटरेस्ट को कौन प्राप्त करेगा। उत्तर है राज्य प्राप्त करेगा। ये राज्य की जिम्मेवारी होगी कि वो जनता के हितों को अचीव करे, जनता के इंटरेस्ट में काम करे, जनता के हित में काम करे, लोक हित में काम करे। यही है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार का निर्माण। और जब जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना है सरकार का निर्माण करने के लिए, तो बड़ा निश्चित है कि सरकार किसके हित में काम करेगी, जनता के हित में काम करेगी। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये जनता का शासन है, रुक्षता जनता का शासन है। जनता प्रतिनिधिक लोकतंत्र में, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं बच्चा, तो मेनली टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी वो होता है जहां जनता तंत्र के निर्णय में, सरकार के निर्णय में प्रत्यक्षता सहभागी होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो होता है जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं, निर्णय लेते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। क्योंकि जनता ने उन प्रतिनिधियों को चुना है, तो बड़ा सीधी बात है कि वो जनता के हित में काम करेंगे, लोक हित में काम करेंगे। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान का निर्माण किया है, संविधान सभा, संविधान का निर्माण। वो संविधान का निर्माण करने वाले कौन थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे और उन्होंने ही संविधान में मौलिक अधिकार में जनता के हित को, जनता के इंटरेस्ट को, जनता का क्या हित है, लोक हित क्या है, उसको संग्रहित किया फंडामेंटल राइट्स के रूप में। और फिर राज्य को निर्देश दिया कि जो भी इस डेमोक्रेटिक स्टेट का गवर्नमेंट होगा वो इन हितों को अचीव करने का प्रयास करेगा, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसको आप नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और जब हम जनता के हित की बात करते हैं बच्चा, लोक हित की बात करते हैं, तो लोक हित में एक प्रमुख है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का उद्देश्य है आधुनिक समाज का निर्माण। आधुनिक समाज मतलब स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज। यहां भी सामाजिक न्याय केंद्र में है। विकास के लक्ष्य की प्राप्ति,
और विकास कैसा, तो निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय से युक्त विकास, मतलब विकास का लाभ सबको मिले, समाजवादी समाज की स्थापना, ऐसा समाज जहां पर समानता हो, सब बराबर हो, गैर बराबरी का अभाव। इसलिए जब हम सामाजिक न्याय शब्द को लेते, सोशल जस्टिस शब्द को लेते, तो इसके अंतर्गत हम तीन बातों को शामिल कर सकते। फर्स्ट, जो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से जो असमानता थी, जो शोषण था, जो ट्रेडिशनल इंडिया से चला आ रहा था, इनइक्वालिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन, उसको खत्म करना। इस लोकतांत्रिक राज्य का मुख्य उद्देश्य है, तभी सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दूसरा विकास का लक्ष्य सबको मिले, विकास का लक्ष्य सबको मिले, सबका विकास हो, विकास के लाभों का बंटवारा सबको हो, तभी सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा, कि विकास में जो भी विषमताएं हैं उन सभी को दूर किया जाए, प्रत्येक प्रकार के शोषण को दूर किया जाए और एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, तभी जाकर के सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके। इसलिए इस सेकंड पेपर में एक सेक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा सेक्शन है गवर्नेंस, और फिर चौथा सेक्शन है सोशल जस्टिस, क्योंकि इस पॉलिटिकल सिस्टम का यही लक्ष्य है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, सामाजिक न्याय के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट बना रखे हैं, सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट स्कीम चला रखी है, क्या प्रोग्राम चला रखे हैं, उनकी चर्चा, उनकी समीक्षा सोशल जस्टिस का पार्ट होगा। और फिर बारी आती है गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन की। तो हमेशा याद रखिएगा, इस पेपर के मतलब को हमें जरूरी है समझाना। हम लोग सबसे पहले पेपर टू के सिलेबस को देखते हैं जो यूपीएससी ने दे रखा है। मेरे ख्याल से छोटा है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को जूम कर लीजिए, फिर मैं बाद में इस सिलेबस को डिटेल में दिखाऊंगा। पहले एक बार ओवरऑल सिलेबस हम देखते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए, सिलेबस यूपीएससी लिख रहा है, जीएस पेपर टू यूपीएससी सिलेबस, गवर्नेंस ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ओके, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटी के अंतर्गत आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आजाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक है या लोकतंत्रात्मक है। बड़ा क्लियर है, लोकतंत्रात्मक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से है, डेमोक्रेसी के तत्व क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप, ये सारी चीजें हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की पार्ट होगी और इसमें हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम अपने संविधान के बारे में पढ़ेंगे, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूची है, प्रत्येक अनुसूची में, अनुच्छेद में क्या क्या है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। अब पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पर बड़ा क्लियर होगा कि हमारा जो लक्ष्य है वो सामाजिक न्याय। और हमेशा याद रखना, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का जो कार्य है, क्रियाकलाप है, इसको शासन जो करता है, जो उसके करने का तरीका है, जो उसके करने का मैकेनिज्म है, इसको शासन। तो राज्य की सरकार द्वारा
लिए गए निर्णयों और उन निर्णयों के एग्जीक्यूशन से संबंधित कंप्लीट क्रियाकलाप को हम गवर्नेंस या शासन की संज्ञा देते हैं। तो इसमें हम लोग शासन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और सोशल जस्टिस, फिर इंटरनेशनल रिलेशन। अब आप देखिएगा कि जो हमारा सिलेबस है यूपीएससी का, वो कंटिन्यूअस देता है हमेशा, आपने देखा होगा, तो उसी हिसाब से देखिएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल डैश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, ये पॉलिटिकल सिस्टम का आपका पार्ट हो गया। सेपरेशन ऑफ, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चा, एक पार्ट आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स डिस्प्यूट्स रिड्यूसल डैश कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रूल इन द पॉलिटी। ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट आपको दिखाई दिया, ये है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको सीधे शब्दों में कहें तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू है। अगला है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, ये भी उसी का पार्ट है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर्स फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। स्टेटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वेसी जुडिशियल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से कट जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, शिक्षा के क्षेत्र में, वेरियस सेक्टर्स में आ गया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला विकास में, अनुसूचित जातियों के विकास में, जनजातियों के विकास में, परिवहन विकास में, हर क्षेत्र में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये कह रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। यहां से हम लोग सोशल जस्टिस का पार्ट मानकर चलना शुरू करते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आएगा वो यहां से आगे के सोशल जस्टिस के टॉपिक के साथ इंटरलिंक्ड होकर के आएगा, क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कहीं अलग नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में आप संविधान को पढ़ोगे, मान लो कि सिंपली मैं एक एग्जांपल देता हूं, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये कहां पढ़ोगे आप? तो मैकेनिज्म ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। बट वुमेन एम्पावरमेंट में महिला आयोग की क्या भूमिका है? रोल ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन इन वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया, महिलाओं के सशक्तिकरण में महिला आयोग की क्या भूमिका है, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। यहां पर हम उनकी भूमिकाओं की समीक्षा करेंगे और दिया भी हुआ है, हम आगे चल करके दिखा रहे हैं आपको। मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा। अगर अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग का अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण में, रक्षोपाय में, अल्पसंख्यकों के रक्षोपाय में, ताकि सामाजिक न्याय उनको दिलाया जा सके, क्या भूमिका है, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। ये तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट की बात की। अब हम आते हैं एक्ट, अधिनियम। तो अगर हम किसी भी अधिनियम की चर्चा करते हैं, मान लीजिए जिसको हम सोशल लेजिस्लेचर कहते हैं, जो भी अधिनियम है जो किसी कमजोर वर्ग के रक्षा के लिए बनाया गया है, एससी एसटी एक्ट, सिंपल एक एग्जांपल मैं देता हूं, एससी एसटी एक्ट जो है वो एससी एसटी
को एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार से उनको बचाने के लिए बनाया गया। एससी एसटी एक्ट का जो भी टेक्निकल पार्ट होगा वो आपके पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का विषय होगा, लेकिन एससी एसटी एक्ट का एससी और एसटी के रक्षा में, उनके बचाव में, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने में क्या रोल है, उसकी क्या एनालिसिस है, कहां तक सक्षम हुआ है, कहां तक सक्षम नहीं हुआ है, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये डिफरेंस को हमें समझना होगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि डेवलपमेंट इकोनॉमी में भी पढ़ना है, डेवलपमेंट इंडियन सोसाइटी में भी पढ़ना है, डेवलपमेंट सोशल जस्टिस में भी पढ़ना है, और इंटरनल सिक्योरिटी का पहला टॉपिक ही निकल करके आ रहा है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। फिर वही डेवलपमेंट आपको एनवायरमेंट वाले सेक्शन में आएगा, बस चारों पांचों जगह पर डेवलपमेंट को पढ़ने का अप्रोच आपका बदल जाएगा। गरीबी आपको इकोनॉमी में पढ़ना, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक ही है गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, और सोशल जस्टिस का एक टॉपिक है गरीबी और भूख, हंगर। तो इंडियन सोसाइटी में जो हम गरीबी पढ़ रहे हैं वहां पर हमको गरीबी के किस डायमेंशन को पढ़ना है यह हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोशल जस्टिस में जो हम पॉवर्टी पढ़ेंगे वहां पर हम पॉवर्टी के किस डायमेंशन पर फोकस्ड होंगे ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इंडियन इकोनॉमी में थर्ड पेपर में जब हम पॉवर्टी पढ़ेंगे तो वहां पर हम पॉवर्टी के किस डायमेंशन पर फोकस्ड होंगे ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहां पर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है या कोई लेजिस्लेशन वाला पार्ट है, कोई अधिनियम की बात है, अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ अधिनियम हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ अधिनियम हो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये आपके एजुकेशन वाला जो सेक्शन है सोशल जस्टिस में उससे जुड़ा हुआ पार्ट, तो हमें दोनों जगहों पर पढ़ने का हमारा अप्रोच अलग हो जाएगा, नजरिया अलग हो जाएगा। उसी तरीके से जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई पॉलिसी है सरकार की, महिला विकास से जुड़ी हुई नीति, एजुकेशन से जुड़ी हुई नीति, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहीं पर आएगा बच्चा, पॉलिसी नहीं यहीं पर पॉलिसी में आएगा। और इसके सामने, इसको एक्सक्लूड करने के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर प्रश्न पूछता है कि हमारे भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताइए और इसको एक्सक्लूड करने के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, इससे जुड़े क्या क्या इश्यूज है, या मिड डे मील योजना, इसको एक्सक्लूशन करने के मामले में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें बच्चा हम यही पढ़ेंगे और ये हम सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर कुछ टेक्निकल चीजें अगर बन रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है तो वहां पर पढ़ लेंगे। इसलिए हमारा टॉपिक यहां से शुरू हो जाता है। इसके बाद बारी आती है डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास की प्रक्रिया और डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। हमेशा याद रखो डेवलपमेंट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, डेवलपमेंट टेक्निकली इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट प्री में भी आपका टॉपिक दिया हूं, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, अनुसूचित जातियों का विकास, अनुसूचित जनजातियों का विकास, महिलाओं का विकास, ट्रांसजेंडर का विकास, ये वहीं से है। और उस विकास में सामाजिक न्याय फिर यहां पर आ जाए, और विकास में सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि विकास का लाभ सबको मिले, और विकास का लाभ सबको मिले इसके लिए क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। और उस संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान का जो टेक्निकल पार्ट है इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना होगा कि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम टॉपिक की पढ़ाई सही दिशा में नहीं कर पाएंगे। सिंपली मैं आपको लेकर के आगे बढ़ता हूं, यहां पर है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, द रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आजादी के बाद आधुनिक समाज के निर्माण के लक्ष्य को लक्षित किया गया, आजादी के बाद विकास के लक्ष्य को लक्षित किया गया, आजादी के बाद समाजवादी समाज के निर्माण के लक्ष्य को लक्षित किया गया,
और इस लक्ष्य की प्राप्ति कौन करेगा, इसके लिए हमने राज्य को चुना कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, या यूं कह सकते हो कि लोकतांत्रिक राज्य के द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा। ओके, अब राज्य कानून बना करके पहले से चली आ रही जाति असमानता को दूर करेगी, छुआछूत को दूर करेगी। राज्य कानून बना करके लिंग असमानता को दूर करेगी। राज्य कानून बना करके जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां हैं जिसके कारण शोषण हो रहा है, उनको दूर करेगी, जो विकास की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। ये सारी चीजें संविधान में भी डाला गया, समानता, समान अवसर, आरक्षण, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। ये राज्य के नेतृत्व में इन असमानताओं को दूर किया जाएगा, इन शोषण को दूर किया जाएगा, राज्य के नेतृत्व में विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, विकास का लक्ष्य केवल अकेले राज्य करेगी या प्राइवेट सेक्टर को भी लिया जाएगा, खास करके जहां आर्थिक विकास की बात आती है, विकास के अन्य घटकों की बात आती है, परिवहन के क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, उद्योग के क्षेत्र में विकास, कृषि के क्षेत्र में विकास। तो हमने कहा मिश्रित मॉडल, हमने इसके लिए मिश्रित मॉडल को अपनाया, बट वो मॉडल राज्य के नेतृत्व में होगा। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ेंगे, साथ लेकर चलेंगे। नॉट कैपिटलिस्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट, नॉट सोशलिस्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट, मिक्स्ड मोड ऑफ डेवलपमेंट, विकास का मिश्रित तरीका। इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित मॉडल के तहत। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मिश्रित मॉडल में हीरो कौन है? स्टेट था आजादी के समय। राज्य के नेतृत्व में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था, प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, विकास संबंधी जब मैं मुद्दे पढ़ा रहा था, कि राज्य के नेतृत्व में मिश्रित मॉडल के तहत जब विकास की गाड़ी आगे बढ़ी, तो हमारा जो पॉलिसी था वो समाजवाद की तरफ झुका हुआ था, यूं कहो तो सामाजिक न्याय की तरफ झुका हुआ था। इस चक्कर में सामाजिक न्याय तो हुआ, लेकिन विकास की गति धीमी रही। मैंने ये भी कहा था कि 1980 तक आते आते योजना आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि अकेले राज्य के बस में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। पॉपुलेशन भी हमारा बहुत तेजी से विस्फोटक वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। आजादी के बाद से लेकर के 1980 तक विकास के लिए जो हमने प्रयास किया था वो कम पड़ गए थे जनसंख्या वृद्धि के कारण। परिणामतः योजना आयोग ने कहा कि नहीं, फंड भी नहीं है और हैंड्स भी नहीं, इसलिए अकेले राज्य के द्वारा विकास के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है, इसमें अन्य एजेंसियों को भी लाया जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि 1980 में एमआरटीपी एक्ट में संशोधन किया गया और प्राइवेट सेक्टर द्वारा इन्वेस्टमेंट की सीमा को 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया, का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए, और सरकार ने इसके लिए किया, विकास की प्रक्रिया में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को और बढ़ाया जाए। जो राज्य की रेगुलेशन पॉलिसी के कारण प्राइवेट सेक्टर उदासीन हो चुका था, ग्रोथ रेट हमारा डाउन हो गया था, योजना आयोग ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, कुछ और हैंड्स भी बढ़ाए जाए। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में एनजीओ की भूमिका को, एसएचजी की भूमिका को, चैरिटीज की भूमिका को, ट्रस्ट की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया कि अगर ये लोग आएंगे तो हैंड्स बढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में अगर भारत में 10 लाख लोग अलग 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 एसएचजी के माध्यम से विकास के कार्यों में अगर लगे होते हैं बच्चा, 10 लाख हैंड्स बढ़े, अदरवाइज यह काम ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से राज्य को कराना पड़ता और उनको सैलरी देनी पड़ती। गैर सरकारी संगठन एनजीओ सोसाइटी का मतलब ही होता है उन लोगों का समूह जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं,
समाज में मदर टेरेसा टाइप ढेर सारे लोग हैं, अगर उनको विकास की प्रक्रिया में आगे लाया जाए, उनको प्रमोट राज्य करे, तो राज्य के पास लाखों ऐसे हैंड्स हो जाएंगे जो निःस्वार्थ स्वार्थ भाव से समाज सेवा के रूप में विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देंगे, महिलाओं के विकास में, अनुसूचित जातियों के विकास में, जनजातियों के विकास में, अल्पसंख्यक के विकास में, समाज के दिव्यांग या कमजोर लोगों के विकास में, जो राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन कमजोर लोगों के विकास में अगर इनकी भूमिका नहीं बढ़ेगी तो ये काम राज्य को करना होगा। इसलिए 80 में ही राज्य की भूमिका को के साथ साथ इन संस्थाओं की भूमिका को भी बढ़ाने पर बल दिया गया। परिणाम क्या हुआ, 80 में हमने MRTP एक्ट में अमेंडमेंट किया, हमने निजी सेक्टर को जो क्षेत्र था उसको उसकी भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया, उनको प्रोत्साहित किया, NGO SHG आदि की भूमिका को भी बढ़ाने का प्रयास किया, बट धीमी गति से। और यही काम आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ये काम तेज कर दिया गया, जिसको हम आर्थिक सुधार कहते हैं। आर्थिक सुधार का पहले भी मैं बता चुका हूं, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 जो मिश्रित मॉडल में हम समाजवाद की तरफ झुके थे, हम पूंजीवाद की तरफ झुके, राज्य में जो अपने अंकुश लगाने की जो प्रवृत्ति थी उसको थोड़ी धीमी की, यानी रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में राज्य की भूमिका में कमी आई और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में राज्य की भूमिका में कमी आना, इसको लिबरलाइजेशन उदारीकरण, और विकास की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना आर्थिक औद्योगिक विकास में, कृषि विकास में। अभी आपने देखा होगा कि अभी भारत सरकार ने 3 कृषि नीति लेकर आई थी, कृषि कानून लेकर आई थी। अगर इस कृषि कानून का क्रक्स निकालोगे तो इस कृषि कानून का एक मुख्य उद्देश्य था भारत के कृषि विकास में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को सुनिश्चित करना, बढ़ाना, क्योंकि हमारे यहां खेत है, खेती करने वाले किसान भी हैं, लेकिन किसान के पास पैसे नहीं है कि वो कृषि में निवेश कर सके। परिणामतः हमारा खेत जो है, जो आउटपुट देना चाहिए था, वो उसमें पैसा नहीं लगाने के कारण, इन्वेस्टमेंट नहीं करने के कारण आउटपुट नहीं दे पा रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर निवेशक के रूप में आ जाए, अगर एक एकड़ में आज के डेट में हम 25,000-30,000 कमा रहे हैं, तो एक एकड़ में हम 5,00,000-6,00,000 कमा सकते हैं। हम इन कृषि उत्पादों को दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कृषि विकास के क्षेत्र में, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, और साथ साथ शिक्षा विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विकास के क्षेत्र में, परिवहन विकास के क्षेत्र में, हवाई जहाज के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन किया गया, ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर को हवाई जहाज भारत में चलाने की अनुमति दी गई, अब एयरपोर्ट को भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है, सड़कें प्राइवेट सेक्टर बनवा रही है, बनवा करके अपना एक डंडा लेके बैठ जा रही है, टोल वसूल करती है और इसी बहाने अपने पैसे को निकालने का प्रयास करती है। कुछ फायदा उनको होता है, सरकार के साथ उनका एक करार होता है, यहां से यहां तक के सड़क बनाओ, सड़क बनाने में अनुमानित लागत खर्च 100 करोड़ रुपया आएगा, आपको 5 साल के लिए हम टोल टैक्स वसूलने का अधिकार देते हैं, अब आप टोल टैक्स वसूलते रहो, और अगर आपका 100 करोड़ आया है तो 200-300 करोड़ अगर आपका वसूल हो जाता है तो आपका 100-200 करोड़ का फायदा होगा। इस तरीके से हमने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, हर क्षेत्र में उनकी भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म का 1991 की जो हमारी पॉलिसी रही वो यही रही बच्चा, तो हम कहले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मिश्रित मॉडल में जो हम समाजवाद की तरफ झुके थे, हम पूंजीवाद की तरफ झुक गए, ताकि हम विकास की गति को तेज कर सके। और पहले भी हमने चर्चा किया था कि हम समाजवाद की तरफ क्यों झुके थे, हम समाजवाद की तरफ इसलिए झुके थे ताकि हम सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, हम सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए हमारा रुझान समाजवाद की तरफ था, अर्थात हम प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन न करें। और हम लोगों ने पहले यह भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि कैसे पूंजीवादी मॉडल की तरफ हम मूव किए 1991 में, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ झुकने का मतलब विकास में गति तो आई, लेकिन निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय का हमारा लक्ष्य जो है वो दुष्प्रभावित हुआ, सामाजिक न्याय का जो हमारा लक्ष्य है वो दुष्प्रभावित हुआ। तो विकास में आज के डेट में
एनजीओ की क्या भूमिका है, एसएचजी की क्या भूमिका है, चैरिटी की क्या, डोनर्स की क्या, ये सारी चीजें हमारा ये टॉपिक है। फिर हमारा है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग है उनके लिए क्या वेलफेयर स्कीम्स है। वेलफेयर स्कीम्स इसको मैं डिटेल आगे डिटेल डिस्कस कर देता हूं जब सामाजिक न्याय के, ये भी हमारा सोशल जस्टिस का सिलेबस है। फिर इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, और आपका लास्ट है इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो टेक्निकली यहां से आप शुरू हो जा रहा है बच्चा सोशल जस्टिस का टॉपिक, और शुरू का जो ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला, ये सोशल जस्टिस और गवर्नेंस या कहें तो पॉलिटी दोनों का पार्ट हो जाता है, गवर्नेंस का भी पार्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर भी उससे जुड़ी हुई दूसरे वाले डायमेंशन की पढ़ाई। लेकिन यहां सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पहलू होंगे, वो सब हम लोग सामाजिक न्याय में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद यही कंटिन्यू यूपीएससी का सिलेबस ऐसे ही लिखा हुआ है, और इसमें अगला आ जाता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये लंबा चौड़ा ढेर सारा टॉपिक दिया हुआ है बच्चा, ठीक है, ये सब कुछ है आपका गवर्नेंस का जुड़ा हुआ। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ गवर्नेंस, ये सीधे सीधे गवर्नेंस का पार्ट है। और फिर ये चार टॉपिक जो आपका दिया हुआ है वो आईआर का पार्ट है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स रिलेशंस, बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस ही देखा है यूपीएससी। हर सिलेबस को जैसे पेपर वन में कंटिन्यूअस पहले हिस्ट्री का टॉपिक है, फिर कंटिन्यूअस इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है, फिर कंटिन्यूअस आपके ज्योग्राफी का टॉपिक है, उस तरह से सिलेबस में भी कंटिन्यूअस पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, फिर कंटिन्यूअस सोशल जस्टिस का टॉपिक है, फिर कंटिन्यूअस आपका गवर्नेंस का टॉपिक है, और फिर कंटिन्यूअस आपका आईआर का टॉपिक है। यह है यूपीएससी का सिलेबस, और यूपीएससी के इसी सिलेबस में से हम लोग निकालते हैं आपका सोशल जस्टिस का सिलेबस। और अब हम सोशल जस्टिस के सिलेबस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन पहले कर चुके हैं, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर जीएस पेपर टू सोशल जस्टिस यूपीएससी सिलेबस, और वहीं से जो हम लोगों ने पांच टॉपिक उठाया है वो पांचों टॉपिक को मैंने यहां ला करके रख दिया। आपका पहला टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं। अब यहां पर हम सरकार की किस वाली नीति की बात करेंगे, यहां पर सरकार की नीति किसकी बात करेंगे, आर्थिक नीति है, विकास संबंधी नीति है, डेवलपमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, भारत सरकार की कृषि नीति, भारत सरकार की शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल जितने भी डेवलपमेंट से संबंधित नीतियां हैं, हमारा काम उसी को देखना है, हमारा काम उसी को देखना है, क्योंकि पेपर टू में पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ यहां सोशल जस्टिस। और डेवलपमेंट में हमें इकोनॉमी वाले सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं देखना है, हमें यहां पर डेवलपमेंट में जो सोशल जस्टिस वाला पहलू है वो देखना है, कि विकास में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस डेवलपमेंट पॉलिसी का क्या रिलेवेंस है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम पढ़ेंगे यहां पर बच्चा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस हद तक सक्षम है, शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक विषमता को दूर करने में, शिक्षा के क्षेत्र में जातीय विषमता को दूर करने में, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक विषमता को दूर करने में कहां तक सक्षम है, क्या हमारी शिक्षा नीति में धार्मिक विषमता को दूर करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाया जा रहा। आंकड़े बता रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम अल्पसंख्यकों में शिक्षा सबसे कम है,
तो क्या सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों को फोकस्ड करके कोई नीति और प्रोग्राम लेकर आई है? समझ में आ रहा मेरी बात? यही हुआ ना सामाजिक न्याय। तो हमारा इन पॉलिसीज में हमारा ओरिएंटेशन उधर की तरफ ही होगा। और इससे जुड़े हुए क्या इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं? पहला यूपीएससी की गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में, एंड इश्यूज एराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। जो डेवलपमेंट पॉलिसी हम बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम की डिजाइन से जुड़ी हुई और उनके एग्जीक्यूशन से जुड़ी हुई क्या इश्यूज है? अब एग्जीक्यूशन से जुड़ी हुई जब इश्यूज की बात करते हैं बच्चा, तो दोनों तरह के इश्यूज आ जाते हैं। एक गवर्नेंस से जुड़े हुए इश्यूज, पॉलिटिकल सिस्टम, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम के मैकेनिज्म के लेवल पर जो कमियां हैं वो है, और एक सोशल स्ट्रक्चर के लेवल पर जो कमियां हैं वो है। उससे जुड़ी हुई, इंप्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई इश्यूज यही है ना। अगर ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है तो विकास योजनाओं को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना कठिन हो जाता है। अगर ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है तो फिर पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना कठिन हो जाता है। बट साथ साथ अगर पब्लिक इन पॉलिसीज और प्रोग्राम के बारे में अवेयर नहीं है, हमारी सरकार ने योजना बनाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा के जो लोग हैं उनकी सोच पैट्रियार्की जदी है, तो सरकार स्कूल खोल के बैठी रहेगी और कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेगा, योजना फ्लॉप हो जाएगी। ये इश्यूज है, ये इंप्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ इश्यूज है, एग्जीक्यूशन से जुड़ा हुआ इश्यूज है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल पर इश्यूज है, और एग्जीक्यूट ब्यूरोक्रेसी को करना है। और इस पॉलिसी को आज की डेट में एग्जीक्यूट एनजीओ और एसएचजी भी कर रहे हैं। अगर कोई एनजीओ किसी नेता के पत्नी के नाम पे, बेटी के नाम पे इसलिए गठित कर दिया गया ताकि उस एनजीओ के नाम पे सरकार के फंड को लेकर के लोग खा जाएं, तो फिर वो एनजीओ गवर्नमेंट पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं ये बाधक बन गई। और जब ये बाधक बन गई है तो फिर ये भी इश्यूज है, उसी के अंतर्गत आएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये सारी की सारी चीजें। फिर हमारा दूसरा है सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ध्यान रहेगा ये हमारा एक टॉपिक हो गया। हमारा दूसरा टॉपिक है द रोल ऑफ एनजीओस, एसएचजीस, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग में। अब विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं। ये दो ही चीज का पार्ट हो सकता है, या तो गवर्नेंस का थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा पहलू, और सोशल जस्टिस का पार्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के कंटेस्ट में हम देखेंगे तो सोशल जस्टिस का पार्ट है। तो याद रखिएगा कि हमको इसको किस संदर्भ में पढ़ना है, इसलिए यहीं पर आकर के दोनों जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो हमें दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर? ये हमारा दो टॉपिक हो गया बच्चा। दो टॉपिक के बाद फिर इसको मैं एक बात हिंदी में पढ़ लू, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग में गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका क्लियर है? यह है आपका
दूसरा टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक हम देखते हैं वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स ये तीसरा है आपका। ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया पहला। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। वल्नरेबल मतलब अति संवेदनशील वर्ग। ध्यान रखना ये टर्म नया आया है, जब सामाजिक न्याय से युक्त विकास की बात की गई आजादी के बाद, तो विकास क्रम में जो पिछड़े हुए उनको कमजोर वर्ग कहा गया। परंपरागत रूप से भारतीय समाज जाति समाज रहा है, और जातीय सोपान क्रम में जो नीचे की जातियां हैं वो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी रही है, और 1947 में भी वो पिछड़ी थी, एक कमजोर तबका थी, वीकर सेक्शन थी, उनको वीकर सेक्शन पहले कहा गया। ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है, और ऐतिहासिक रूप से महिलाएं सोपान क्रम में नीचे के पायदान पर रही, तो महिलाएं भी एक वीकर सेक्शन थी। मानव समाज के उद्विकास क्रम में जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले जो लोग थे वो पिछड़े हुए समुदाय से थे, उनको ट्राइब्स कहा गया, उनकी लिस्टिंग की गई, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में शेड्यूल्ड किया गया, और माना गया कि वो भी एक कमजोर तबका है। तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बाद में ओबीसी, बाद में महिलाएं, महिलाएं उसी समय से, ये सभी की सभी समाज का वीकर सेक्शन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बच्चा, आर्टिकल 14, सबको समान अवसर, 15, कोई भेदभाव किसी आधार पर नहीं किया जाएगा, और 16, ये जरूरत पड़ी तो समानता लाने के लिए भेदभाव किया जाएगा, अच्छा संरचनात्मक भेदभाव की नीति। ये जो पहले से चले आ रहे हैं, जो पहले से निचले पायदान पर है, सरकार उनको ऊपर उठा करके उनके लिए स्पेशल प्रयास करेगी, इसलिए उनको लिस्ट किया गया, ट्राइब्स को लिस्ट किया गया, इसको शेड्यूल ट्राइब, जातीय सोपान में सबसे बॉटम में कौन, उनको लिस्ट किया गया, इसको शेड्यूल कास्ट, महिलाएं ये समाज के कमजोर वर्ग माने गए, कालांतर में अल्पसंख्यकों को भी समाज का कमजोर वर्ग माना गया, और सरकार ने उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन किया, क्योंकि हमारे संविधान में था कि सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है, और इसके लिए जो समाज का कमजोर तबका है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करना, सरकार ने उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, और विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से, और इन्हीं को कमजोर वर्ग कहा गया, वीकर सेक्शन कहा गया, और विकास की प्रक्रिया में इनको शामिल करना ही सामाजिक न्याय से युक्त विकास कहा गया, समानुपातिक विकास कहा गया, और यही कालांतर में समावेशी विकास कहलाया। समावेशी जो है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसके लिए अंग्रेजी टर्म यूज किया जाता है, वो एक्सक्लूजन का अपोजिट है। Now, who is socially and economically exclusion, excluded class? सामाजिक और आर्थिक रूप से excluded class का मतलब हुआ कि केंद्र से बाहर पिछड़े हुए अपवर्जित समूह, SC अपवर्जित समूह, ST अपवर्जित समूह, महिलाएं अपवर्जित समूह, minorities class अपवर्जित समूह, इसके अलावा भी कुछ लोगों को अपवर्जित समूह माना गया। 80 के दशक में इंग्लैंड में सोशल एक्सक्लूजन शब्द को यूज किया गया, उसका असर भारत में भी पड़ा, और अब इनको अपवर्जित समूह माना जाने लगा। गरीब आर्थिक रूप से अपवर्जित समूह है, बेरोजगार, ये भी बेरोजगार भी कमजोर है, इसलिए सरकार ने इनको भी कुछ भत्ता देने का प्लान किया कि भाई बेरोजगारों को भी कुछ भत्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक राज्य में अगर हम किसी युवा को नौकरी नहीं दे रहे हैं, इट्स फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की असफलता है, फेलियर है, इससे सरकार को उस बेरोजगार को कुछ ना कुछ देना चाहिए, रोजगार का अधिकार होना चाहिए। ये भी अति संवेदनशील वर्ग या कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन में आ गए।
ट्रांसजेंडर भी कर सेक्शन में आ गए, दिव्यांग ये भी बेचारा है, वृद्ध ये भी बेचारा है, आजकल बच्चे भी बेचारे हैं, तो इनकी संख्या बढ़ती चली गई बच्चा। और अब विकास की प्रक्रिया में इन सबको शामिल करने के लिए एक नया वर्ड यूज किया जाने लगा, अपवर्जित समूह और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो अपवर्जित समूह है इनको विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, इंक्लूड करना, इंक्लूड करना, इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, सामाजिक न्याय से युक्त विकास वही चीज है, समानुपातिक विकास उसी से जुड़ा हुआ है, समावेशी विकास उसी से जुड़ा हुआ है। और 80-90 के दशक में ही इन्हीं लोगों के लिए एक शब्द यूज किया गया, अति संवेदनशील वर्ग। ये वे हैं जो समाज के वल्नरेबल सेक्शंस, इन्हीं के लिए ये वल्नरेबल सेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया, और इनके लिए सरकारी स्कीम ऑलरेडी चला रही है। ये हमारा टॉपिक कहता है बच्चा कि केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन कैसे हो रहा है, एक टॉपिक हो गया आपका। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, एक टॉपिक आपका हो गया। इसी के अंतर्गत ये सारे के सारे स्कीम्स का क्या परफॉर्मेंस है, मतलब यह स्कीम की समीक्षा भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की दिशा में, लड़कियों के या महिलाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, सरकार का एक स्कीम है, कार्यक्रम है, हमें इस कार्यक्रम की समीक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, सोशल जस्टिस का है, कि क्या इस स्कीम के माध्यम से लैंगिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली, महिला सशक्तिकरण में सफलता मिली, महिला के शैक्षिक सशक्तिकरण में सफलता मिली, मिली तो कहां मिली, कहां तक मिली, यानी कंप्लीट सामाजिक न्याय के कंटेस्ट में इस स्कीम की समीक्षा इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। ये हम लोग पढ़ेंगे, हमारा अप्रोच यही होगा। तो समझ लो कि प्रश्न इसी तरह का पूछा जाएगा। हम लोग सिलेबस पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन के पीछे का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि हम सिलेबस को जब सही ढंग से समझ लेंगे तो हम अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि इस सिलेबस में जो टॉपिक है उससे प्रश्न किस तरह का पूछा जा सकता है। किस तरह का पूछा जा सकता है, क्लियर? केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, डन। इसमें हम सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम है, जितनी योजनाएं, महिला विकास से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि बच्चा अति संवेदनशील वर्ग जो है ना, ये भरा पड़ा है, ढेर सारे इसमें आ जाएंगे। महिलाएं एससी एसटी माइनॉरिटी क्लास, ट्रांसजेंडर, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, एड्स पेशेंट, लेबर, लेबर में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, गिग वर्कर भी हैं, ये सब कमजोर, गिग वर्कर भी आज के डेट में एक कमजोर तबका है, जो रोजगार के अभाव में इस तरह के रोजगार शर्तों को मानते हुए रोजगार करने के लिए विवश हुआ है, जो जानलेवा है, उसको 10 मिनट में सामान पहुंचाना है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर सामान पहुंचाने के लिए वो दावा करती है कि 10 मिनट के अंदर सामान आपके पास से पहुंचेगा, जहां पर भी उनके सामान का स्टॉक है वहां से लेकर के 10 मिनट में पहुंचाने की जिम्मेदारी फाइनली किसकी है, उस वर्कर की। पिज्जा 10 मिनट में डिलीवरी करनी है,
11 मिनट होगा तो पनिशमेंट वर्कर को दिया जाता है और वर्कर अपनी नौकरी बचाने के लिए 10 मिनट के में पिज्जा डिलीवरी करने के लिए भागे भागे आता है और उसी भागम भाग में कई वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए सरकार क्या प्रोटेक्शन कर रही है? आज ये एक वैश्विक मुद्दा बनकर के उभरा। गिग वर्कर, यूपीएससी ने गिग वर्कर से सवाल पूछा तो श्रमिक भी अति संवेदनशील वर्ग से जुड़े हुए। अब श्रमिकों में कौन, तो जो अनियमित श्रमिक है वो, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो, जो गिग वर्कर टाइप वर्कर है वो, ये समाज की अति संवेदनशील वर्ग है। चाइल्ड लेबर अति संवेदनशील वर्ग है, बॉन्डेड लेबर अति संवेदनशील वर्ग है, तो लेबर भी एक वल्नरेबल सेक्शन है। अब इतनी जब वल्नरेबल सेक्शन है बच्चा, तो फिर सरकार कि इनके लिए क्या पॉलिसीज है और सरकार की क्या क्या योजनाएं इनके लिए चलाई जा रही है। महिला विकास से संबंधित सरकार की क्या नीति है, वुमेन डेवलपमेंट पॉलिसी, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, व्हाट इज वुमेन वेलफेयर पॉलिसी, व्हाट इज वुमेन इंटीग्रेशन पॉलिसी। महिला विकास से संबंधित सरकार की क्या नीतियां हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट से संबंधित सरकार की क्या नीतियां हैं, अंग्रेजी सरकार की क्या नीतियां रही है, पृथक्करण की नीति क्या है, व्हाट इज आइसोलेशन पॉलिसी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, व्हाट इज एसिमिलेशन पॉलिसी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, व्हाट इज इंटीग्रेशन पॉलिसी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। आजाद भारत की जो ट्राइबल डेवलपमेंट की पॉलिसी है बच्चा, हम उसको एकीकरण की नीति कहते हैं। ये क्या है, तो डेवलपमेंट पॉलिसी। उसी तरीके से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सरकार की क्या नीति है, वृद्धों के विकास के लिए सरकार की क्या नीति है, बच्चों के विकास के लिए सरकार की क्या नीति है, दिव्यांगों के लिए सरकार की क्या पॉलिसीज है, लेबर के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है, ये हमें जानना होगा। अब शुरू का पहला ही टॉपिक पॉलिसीज था, यहां पर हमें इनके बारे में सरकार की नीतियों को जानना होगा और फिर उन नीतियों के अकॉर्डिंग सरकार क्या योजनाएं स्कीम्स क्या चला रही है। महिला विकास से संबंधित क्या स्कीम है, ट्राइबल डेवलपमेंट से संबंधित क्या क्या स्कीम चल रहा है। ट्राइबल डेवलपमेंट बोले तो ट्राइबल का एजुकेशनल डेवलपमेंट, ट्राइबल का हेल्थ डेवलपमेंट, ट्राइबल का स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ट्राइबल एरिया का ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती है। और इसको जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा सबसे बेस्ट सोर्स बुक होता है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है। अगर हमको ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड उनके लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स है अगर वो पढ़ना है, तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो एनुअल रिपोर्ट आता है बच्चा, उसको अगर हम देखें ना, तो पूरा का पूरा वही गाइडलाइन हमारा होना चाहिए इस टॉपिक। केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स डन। फिर इसी में सेकेंड पार्ट इन्हीं के लिए क्या है, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए, प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र क्या है, विधि कानून क्या है, संस्थान क्या है, निकाय क्या है, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज, ये आपका यहां से आ गया, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस, सेकेंड पार्ट है। इस अति संवेदनशील वर्ग के लिए हमारे पास क्या, उनकी रक्षा और बेहतरी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म। अगर हम कहें बच्चा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक के लिए एक मैकेनिज्म हुआ कि नहीं हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग एक वल्नरेबल सेक्शन के रूप में महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये तंत्र है या नहीं है,
बॉडी है या नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग क्या है, और हमारे लिए अब इस तंत्र का क्या पढ़ने का मायने है, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का महिलाओं की रक्षा और बेहतरी में क्या कंट्रीब्यूशन है, महिलाओं के रक्षा और बेहतरी में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि रक्षा और बेहतरी के लिए ही बनाया गया है। अनुसूचित जाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रक्षा और बेहतरी में क्या कंट्रीब्यूशन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा और बेहतरी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हम यहां देखेंगे। साथ साथ कह रहा है लॉ इनके प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए, लॉ भी मैकेनिज्म, लॉ मैकेनिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन भी हम आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजों में के लिए है, लेकिन समाज के अति संवेदनशील वर्ग के प्रोटेक्शन के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। पॉइंट नंबर वन, समय समय पर क्या हमने कानून बनाया है, क्या कुछ आयोग निकाय आदि है, तो क्या है, क्या रूल है उनका, इनके बेटरमेंट में उन्होंने क्या किया है, कहां तक किया है, कहां तक नहीं किया है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना होगा। मतलब एससी और एसटी के रक्षा और बेहतरी के लिए एससी एसटी एक्ट, अब आ जाइए, मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी भी संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ोगे, संविधान को पढ़ोगे, उसके पूरे मैकेनिज्म को पढ़ोगे, फिर कोई अगर सरकार कानून बना रही है तो उसके उस पहलू को पढ़ोगे जो उसका कानूनी पार्ट है, लेकिन जिस वल्नरेबल सेक्शन के लिए वो कानून बनाया गया है, जिनकी रक्षा और बेहतरी के लिए वो कानून बनाया गया है, वह कानून उनकी रक्षा और बेहतरी में करने में सक्षम कहां तक हुआ, कहां तक नहीं हुआ, उनकी रक्षा और बेहतरी के कंटेस्ट में, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सामाजिक न्याय के कंटेस्ट में उस कानून की समीक्षा इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस, इज द अप्रोच ऑफ सोशल जस्टिस। ये हमारा अप्रोच होगा। अब यहां पर आकर के हम महिलाओं के रक्षा उपाय के लिए, प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए, अनुसूचित जातियों के प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए, अनुसूचित जनजातियों के प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए, ट्रांसजेंडर के प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए भी नया नया कानून बनाया जा रहा बना है। वृद्धों के लिए 2007 में एक नया कानून बनाया गया वृद्धों के प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए, अब ध्यान देते जाओ, दिव्यांगों के प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए सरकार ने हाल में क्या कानून बनाया, क्या तंत्र गठित किया, क्या इंस्टीट्यूशन उनके रक्षा उपाय के लिए बनाया, ये सारी चीजें इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस, और हम लोगों को पढ़ते समय इस टॉपिक को, इन पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए बच्चा सबसे बड़ा टॉपिक अगर हमारा होगा तो यही होगा, ये टॉपिक में कम से कम हमारा मिनिमम जाता है तो 20 क्लास जाता है, लगभग हम लोग 20 क्लास इस टॉपिक में लेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि इसको जितना कम छोड़ते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, जितना इसको हम एलोबोरेट करके बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो प्रश्न हमारे कमांड में रहेंगे, प्रश्न हमारे पढ़े हुए में से पूछा जाएगा, तो सबसे ज्यादा क्योंकि यहां पर अति संवेदनशील वर्गो जो है ना उसमें कई चीजें आ गई, और फिर उनके रक्षा और बेहतरी के लिए सारे संवैधानिक प्रावधान, सारे कानून आयोग जो भी है सब, प्लस उनके लिए सरकार की योजनाएं, पॉलिसी स्कीम्स जितनी भी चलाई जा रही है, प्लस उनके बेटरमेंट के लिए एनजीओ क्या काम कर रहा है, एसएचजी क्या काम कर रहा है, अगर हम कहें कि भारत में महिला विकास के क्षेत्र में एनजीओ की क्या भूमिका रही है, अगर हम कहें कि आज के डेट में भारत में हेल्थ डेवलपमेंट के क्षेत्र में
एनजीओ की भूमिका या हेल्थ और एजुकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। अब वहां से लेकर के हमने यहां जोड़ दिया, तो प्रश्न को समझना होगा और ये तभी हम समझ पाएंगे प्रश्न को जब हमारे सिलेबस की एक अच्छी समझ हो, एक बेहतर समझ या कहो तो अंडरस्टैंडिंग हमारे सिलेबस की हो और हम सिलेबस को ऊपर और नीचे हर पहलू से समझने का प्रयास करें, तब जाकर के हम संभावित प्रश्न के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये है हमारा तीसरा सेक्शन। अब हमारे सिलेबस में बच्चा जो चौथा सेक्शन है वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्निकली अगर हम कहें मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। अब मानव संसाधन विकास ह्यूमन को एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करने के लिए तीन कंपोनेंट होते हैं। जब भारत में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि को एक समस्या के रूप में देखा जाने लगा, तो जनसंख्या वृद्धि को देखने का एक नया नजरिया डेवलप हुआ। अमर्त्य सेन इसमें एक प्रमुख नाम है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति केवल एक पेट लेकर पैदा नहीं लेता, दो हाथ लेकर भी पैदा लेता है, और अगर व्यक्ति के श्रम को सही ढंग से यूज किया जाए तो एक आदमी का खाता है लेकिन वो 10 आदमी के बराबर कमा सकता है। तो क्यों ना फिर हम एक व्यक्ति को एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करें, क्यों ना हम एक मानव को एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करें, इसको ह्यूमन रिसोर्स, और उसको सही ढंग से मैनेज करें ताकि उस रिसोर्स का मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। अब बारी आती है बच्चा ह्यूमन को एक रिसोर्स के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए तीन कंपोनेंट माने जाते हैं। कंपोनेंट नंबर 1, स्वस्थ हो, बीमार ना हो। ऐसा नहीं कि अब गिरा कि तब गिरा, अब मरा कि तब मरा, यह स्थिति नहीं हो। हेल्थ, हेल्थ इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। हेल्थ के बाद बारी आती है कि बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा। हेल्थ डेवलपमेंट के लिए हम अपना काम करेंगे। दूसरा पार्ट है एजुकेशन, पढ़ लिख जाए, स्वस्थ हो, शिक्षित हो, एजुकेशन डेवलपमेंट। और तीसरा पार्ट है शिक्षित के बाद स्किल्ड हो, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत हेल्थ डेवलपमेंट भी आ जाता है, एजुकेशन डेवलपमेंट भी आ जाता है और स्किल डेवलपमेंट भी आ जाता है, राइट। और मैनेजमेंट के अंतर्गत डेवलपमेंट इस मैनेजमेंट में इनका मैक्सिमम आउटपुट लेने के सारे कंपोनेंट या सारे के सारे तरीके आ जाते हैं। आज भारत में 36 करोड़ युवा आबादी है। पेपर 1 पढ़ाते समय, इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, भारत की यूथ पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा है। टोटल पॉपुलेशन इंडिया से चाइना का अधिक है, लेकिन यूथ पॉपुलेशन इंडिया का चाइना से अधिक। चाइना में 26 करोड़ यूथ पॉपुलेशन है और इंडिया में 36 करोड़ यूथ पॉपुलेशन है। समझ सकते हो कि हमारे पास ह्यूमन की कमी नहीं। हमारे लिए चैलेंजिंग क्या है बच्चा? हमारे लिए चैलेंजिंग है कि हाउ टू डेवलप रिसोर्स, हम इस ह्यूमन को रिसोर्स के रूप में कैसे डेवलप करें, यह हमारे लिए चैलेंज है। और जब हम यह चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारी सरकार अभी, या एक सरकार के रूप में अगर हम कहें, मैं मान के चलता हूं कि आप लोग ब्यूरोक्रेसी के मेंबर हो चुके हैं, आप गवर्नमेंट में के पार्ट है, तो आपके लिए चिंता क्या होनी चाहिए कि एट प्रेजेंट हेल्थ डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कितने लोग हैं, हेल्थ के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको डेवलप करना है, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, कितना पैसा है, कितना हॉस्पिटल है, डेस्क है, आपकी नजर में होना चाहिए। तब हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या है,
इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और जब ये आप जान जाएंगे बच्चा, तब फिर इसी के अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी बनाएंगे। एट प्रेजेंट हमारी हेल्थ पॉलिसी क्या है, हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत हम किन किन कंपोनेंट को रखे हैं, तो निश्चित तौर पर वही रखेंगे जो हमारे पास कम है या जिसको हम और बेहतर करना चाहते हैं, और फिर उस हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग हेल्थ स्कीम बनाते हैं, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं। तो एट प्रेजेंट भारत की अल्पसंख्यक हेल्थ विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम क्या चल रही है, क्या बनाया गया है? अब आयुष्मान भारत योजना, ये एक योजना है, एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है जो हेल्थ डेवलपमेंट से है, लेकिन हेल्थ डेवलपमेंट में इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य सामाजिक न्याय भी है। जो समाज का गरीब तबका है, जो ऊंची फीस दे करके, पैसा खर्च करके बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता है, उनके इलाज को सुनिश्चित करना भी सामाजिक न्याय है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य नीतियों में उसको हम महत्व देते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली विभिन्न हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करती है सरकार। तो हमें देखना होगा कि हमारी हेल्थ पॉलिसी क्या है, हेल्थ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स क्या है, पॉइंट नंबर वन। हेल्थ डेवलपमेंट के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी एट प्रेजेंट क्या है, उस पॉलिसी के क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, उसकी एक समीक्षा, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए सरकार के क्या प्रोग्राम्स है, और स्पेशली सोशल जस्टिस को केंद्र में रखकर के सरकार हेल्थ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रही है, यानी समाज के कमजोर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए सरकार किस किस तरह के स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम लेकर के आई है, उनका क्या आउटपुट है, ये सब कुछ हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा बच्चा। सेम थिंग एजुकेशन से, हमारे पास कितने लोग हैं जिनको एजुकेशन की जरूरत है, इतने लोगों को एजुकेशन देने के लिए हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें जानना होगा। एजुकेशन से जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम्स है, प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम्स है, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम्स है। आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारे यहां के पढ़े लिखे लोगों की नौकरी अमेरिका और कनाडा में सुनिश्चित होनी चाहिए, इसलिए हमारे यहां का एजुकेशन का जो सिलेबस होना चाहिए वो वहां के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर के बनाया जाना चाहिए। क्या बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, तो कहां कमी है, क्या इसमें किया जाना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी इंडिया के एजुकेशन सिनेरियो की होनी चाहिए। क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, भारत सरकार की एजुकेशन पॉलिसी क्या है, 68 की एजुकेशन पॉलिसी हमारी क्या थी, उसमें हमने कोशिश किया कि सब लोगों के लिए कम से कम स्कूल खुले, शिक्षा तक पहुंचो, इसके लिए हमने शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बल दिया, मात्रात्मक वृद्धि पर बल दिया। 1986 में जब हमने एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो हमने कोशिश किया कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की स्थापना हो, इसके लिए एससी के लिए कुछ अलग स्कीम चलाई जानी चाहिए, एसटी के लिए अलग चलाई जानी चाहिए, माइनॉरिटी के लिए अलग चलाई जानी चाहिए, महिला के शिक्षा विकास के लिए अलग चलाई जानी चाहिए। इस तरह के हमने अपने 86 के शिक्षा नीति पर बल दिया, और गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया, क्वालिटी एजुकेशन पर बल दिया। 1991 में हमने इस दिशा में कमेटी का गठन किया और पाया कि नहीं, 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हो चुका था, हम ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ चुके थे, अब हुआ कि नहीं, भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है वो वैश्विक मांगों के अनुकूल होनी चाहिए। और फिर इस दिशा में लगातार बहुत कुछ होता रहा, बहुत कुछ होता रहा, बहुत सारी कमेटियां गठित होती रही, और फाइनली हम लोगों ने 2019 में नई अपनी शिक्षा नीति लेकर के आए। ये नई शिक्षा नीति क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसमें क्या कमी है, ये नई शिक्षा नीति क्या सामाजिक न्याय के, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं है, और इस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंगली शिक्षा विकास के क्षेत्र में सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है, क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या क्या प्रोग्राम चला रही है। कहीं ना कहीं मिड डे मील योजना शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विकास से भी जुड़ा हुआ है बच्चा, बट सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि इसका एक उद्देश्य कुपोषण को दूर करना भी है। समाज का गरीब तबका कुपोषण दूर हो, उसकी समस्या दूर हो, इसलिए उनको खाना दिया जाए, पौष्टिक भोजन दिया जाए स्कूल में, और साथ साथ इसी बहाने वो स्कूल जाए तो उनका शैक्षिक विकास भी हो, वो
उस तरीके से सरकार अंगीकार योजनाएं लेकर के आई है, महिला शिक्षा विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कर रही है, एसटी के लिए क्या कर रही है। हम पूरा का पूरा हॉलिस्टिक एजुकेशन के क्षेत्र में देखने का प्रयास करेंगे बच्चा। और फिर बारी आती है स्किल डेवलपमेंट की, हमारी भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है। हमारे पास 36 करोड़ युवा है तो क्या स्किल्ड है, कुशल है या अकुशल है, और अकुशल है तो उनको स्किल्ड करना जरूरी है, क्योंकि अगर स्किल्ड नहीं होंगे वो बेरोजगार होंगे, सरकार उनको रोजगार नहीं दे पाएगी, और वो बेरोजगार रह गए तो फिर वो समाज के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो उग्रवादी बन सकते हैं, वो नक्सली बन सकते हैं, वो क्राइम कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, इससे सरकार की स्थिरता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अलग देश की मांग को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, अलग राज्य की मांग को लेकर के आंदोलन कर सकते हैं, सिस्टम के विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। और आप जब ब्यूरोक्रेसी के पार्ट्स हो तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी जब तक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी तब तक आप कैसे समझोगे, कैसे सोचोगे। आप नीट पास करते हो तो फिर 4-5 साल तक मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हो और तब डॉक्टर बनते हो। आप 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हो, बीटेक करते हो, तब जाकर के इंजीनियर का काम आपको दिया जाता है, सोचो। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सीधे आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो और 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद सीधे आपको डीएम बनाकर के एसडीएम बनाकर के भेज दिया जाता है। इसलिए इसके सिलेबस के अंतर्गत ही वो सारी चीजें डाली गई है जो एक प्रकार से ट्रेनिंग का काम करे आपके लिए। इसलिए एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप भारत के एजुकेशन हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट के पूरे सिनेरियो से आप अवगत हो। यही है आपका सिलेबस। स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, पब्लिक सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेस, ये है आपका 4 नंबर टॉपिक। 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और आपका लास्ट और 5वां नंबर टॉपिक है बच्चा, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय एवं विकासात्मक मुद्दे। गरीबी और विकास से संबंधित मुद्दे इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक था, याद होगा आपको, गरीबी और विकास से संबंधित मुद्दे, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। और यहां पर है इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। अब वहां पर गरीबी से संबंधित मुद्दे का अप्रोच अलग होगा बच्चा, और यहां पर अलग अप्रोच अलग होगा। वहां पर हम उसके सोशल डायमेंशन को देखेंगे, मैंने पहले भी बताया था, और यहां पर हम इसके सामाजिक न्याय वाले डायमेंशन को देखेंगे, यहां पर हम इसके सोशल जस्टिस के डायमेंशन को देखेंगे। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की क्या योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है ताकि भारत में गरीबी को दूर किया जा सके और एक समतामूलक समाजवादी समाज की स्थापना की जा सके, ये हमारा एक टॉपिक होगा। भूख और भुखमरी भी गरीबी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, इस पर हमारी सरकार की क्या नीतियां हैं, इसके लिए क्या सरकार कोई योजनाएं चला रही है, क्या कुछ राज्य सरकार योजनाएं चला रही है। कई जगहों पर गरीबों के लिए थाली चलाई जाती थी, सुने होंगे आप, 2-3 रुपए में खाना खिलाना या फ्री में खाना खिलाना, बहुत सारी चीजें। अम्मा थाली तमिलनाडु में जयललिता ने शुरू किया था ताकि गरीबों को भूखे नहीं मरना पड़े। ये है बच्चा हमारा यूपीएससी का सोशल जस्टिस का सिलेबस। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेबस की एक समझ हो चुकी होगी और यही सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको इंडियन सोसाइटी में बताया था कि मैं आपके साथ लगातार 3 बार रहूंगा, इंडियन सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में और इंटरनल सिक्योरिटी में। इंडियन सोसाइटी में भी पेपर 1 में जो 250 अंक है उसमें हम लोगों की भूमिका लगभग
70 से 80 नंबर, 90 नंबर, पिछली बार 110 नंबर के सवाल पूछे गए थे, आपने देखा था। यहां पर भी लगभग 70 नंबर 80 नंबर पेपर टू में हम लोगों की भूमिका रहेगी और इसी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में भी हम लोगों की भूमिका रहेगी। और यहां पर हम इतना पढ़ेंगे कि पेपर फोर में जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए इश्यूज पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खास करके एथिक्स के कंटेस्ट में, उन प्रश्नों को एक समझ देने में भी ये हम लोगों के तीनों सेगमेंट की पढ़ाई काम देगी। अप्रोक्स 250 नंबर 1000 नंबर में मैं आपके साथ रहूंगा और मेरा प्रयास होगा इस 1000 नंबर में 250 नंबर में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो हम लोगों के पढ़े हुए में से आए। अब आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो बच्चा, आपका पक्ष है, बट मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो यही है कि मैं कम से कम इस सिलेबस का रेंज इस तरीके से डायमेंशन खींच करके पढ़ाऊं कि लगभग आपके पढ़े हुए में से ही सवाल आए, हम लोगों द्वारा पढ़े हुए में से सवाल आए। डन, ये है आपका सिलेबस। अब हम लोग आज एक नजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डालते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा लेके नहीं चलूंगा क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोशल जस्टिस का सिलेबस 2013 में यूपीएससी के सिलेबस में ऐड किया गया था। आई रिपीट, सोशल जस्टिस का जो सेगमेंट है वो मेनली 2013 में इस रूप में लाया गया था। पहले भी था, हेल्थ पहले भी पढ़ना था, एजुकेशन पहले भी पढ़ना था, पहले उसमें एक लाइन में दिया हुआ था समाज के अपवर्जक समूह एक्सक्लूसिव, तो सोशली एंड इकोनॉमिकली एक्सक्लूजन क्लास, इस तरह का वर्ड देकर के इन लोगों के लिए पढ़ना था क्योंकि उस समय जीएस दो ही पेपर होता था। लेकिन अब जीएस जस्ट डबल हो गया, 1000 अंकों का हो गया, चार पेपर हो गया, तो सोशल जस्टिस के सिलेबस को थोड़ा सा फैला करके दिया गया है जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी करी। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो 13 का क्वेश्चन हम देख लेंगे और फिर लेटेस्ट में 22 और 23 का क्वेश्चन देखेंगे। डन, चूंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, कहा जाता है कि पढ़ाने की जो कोचिंग पॉलिसी है उस पॉलिसी में बच्चे को क्वेश्चन पहले नहीं दिखाया जाना चाहिए क्योंकि पहले देखने पे हमारा बच्चा घबरा जाएगा, नया नया आया है, डर जाएगा कि बाप रे बाप इतना पढ़ना है, सिर मुड़ाते ओले पड़े। सही है, इसलिए पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ना दिखाया जाए कि यूपीएससी के लेवल का इतना भारी भारी प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चा डरे नहीं, सीधे टॉपिक पढ़ाया जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा भिन्न नजरिया रखता हूं बच्चा, मुझे लगता है कि जिस मंजिल की तरफ आपको बढ़ना है उसके रास्ते के बारे में जानकारी आपको आज ही होना चाहिए, बढ़ने के पहले होना चाहिए। इसलिए मैं जब दिखाता हूं या डिस्कस करता हूं तो डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी जानकारी भी देने के लिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि हमारा छात्र डरा हुआ नहीं है, हमारा छात्र तो फिर हर परिस्थिति में एक जंग लड़ने के लिए तैयार है, एक नहीं कई जंग लड़ने के लिए तैयार है। हमारा छात्र सर पे पगड़ी बांध कर निकल चुका है यूपीएससी पास करने के लिए, तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं। हाँ, हमें देखना होगा, हमें समझना होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और तब फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसी चश्मे को हम अपने सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारे सिलेबस का चश्मा है और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चश्मा है, इसी चश्मे से हम अपनी आगे की यात्रा पूरी करेंगे, अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। डन, तो चलिए हम लोग पहले 2013 के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। यूपीएससी सीएससी 2013 पूछे गए प्रश्न, 2013 में 25 प्रश्न था, मैंने पहले भी
इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय आपको बताया था कि 2013 में 10-10 नंबर के सीधे फ्लाइट 25 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। और आश्चर्य होगा आपको जानकर के कि वो 25 क्वेश्चन 200 शब्दों में पूछा गया था। यानी आप समझ सकते हो कि 5,000 शब्द यानी 5,000 शब्द 3 घंटे में लिखना आसान काम नहीं था। ये आसान काम नहीं था। बाद में इस पर काफी चर्चाएं चली, कमेंट आया, यूपीएससी को सोचना पड़ा। और तब जाकर के यूपीएससी ने 3 घंटे में 3,500 शब्द, 300, 3,500, 3,500, 4,000 शब्द के आसपास ही सिलेबस को आगे बढ़ाया। बाद में 25 क्वेश्चन 150 शब्दों में कर दिया गया 14 से। फिर कालांतर में अब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 20 क्वेश्चन में कुछ प्रश्न 150 शब्दों के होते हैं, कुछ प्रश्न 250 शब्दों के होते हैं, कुछ प्रश्न 10 अंकों के होते हैं और कुछ प्रश्न 15 अंकों के होते हैं। एट प्रेजेंट यही सिनेरियो चल रहा। शुरू शुरू में इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस से कम सवाल थे, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इनके सवाल की संख्या बढ़ी है। 2013 में 5 सवाल पूछे गए थे 10-10 अंकों के 50 नंबर के। पहला सवाल था, मैं पूरा सवाल नहीं पढ़ूंगा बच्चा, बस मैं केवल दिखाता चलूंगा कि सवाल का नेचर क्या, इससे सवाल कैसा है, बनेगा कि हमसे नहीं बनेगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे आप, बस इनकलाब जिंदाबाद के साथ आगे बढ़ोगे। आपके सामने है मध्यान्ह भोजन योजना की संकल्पना। भारत में लगभग डैश 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 मिड डे मील स्कीम। हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने जा रहे, हम ये बताने जा रहे हैं कि ये योजना मिड डे मील स्कीम पर है, मध्यान्ह भोजन योजना। और मध्यान्ह भोजन योजना में कह रहा है कि इसके दोहरे उद्देश्यों, नवीनतम आदेशों और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये कहां तक सफल रहा? दोहरा उद्देश्य सामाजिक न्याय था, दोहरा उद्देश्य शिक्षा विकास था, इवन रिसोर्स डेवलपमेंट था। हमारे यहां प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे एडमिशन तो ले लेते थे, लेकिन भैंस पर बैठकर स्कूल के बगल से गुजर जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। यानी कुछ दिन तक गए और फिर स्कूल जाना बंद कर दिया, और फिर तो छोड़ दिया, कई बच्चों ने तो पढ़ाई ही छोड़ दिया, ड्रॉप आउट ज्यादा था। और इसी ड्रॉप आउट को रोकने के लिए हुआ कि एक ऐसा स्कीम, और उधर गरीबी ऐसी थी कि गरीब बच्चों का कुपोषण के शिकार हो रहे थे, तो हुआ कि अगर स्कूल में ही गरीब बच्चों को या सारे बच्चों को जो चाहे भोजन दिया जाए तो दो फायदा होगा। जो अमीर के बच्चे हैं वो खिचड़ी तो खाएंगे नहीं, वो खा के आएंगे, टिफिन लेके आएंगे, जो भी करे खाना चाहते हैं तो खाएं। बच्चों के कुपोषण की समस्या खत्म होगी और साथ साथ उनका ड्रॉपआउट कम होगा और स्कूल में उनका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, शिक्षा विकास के लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी। ये दोहरा उद्देश्य था। दोहरा उद्देश्य को पाने में नया इसमें क्या क्या किया गया और सफलता की समीक्षा कीजिए, कहां तक सफल रहा, कहां तक सफल नहीं रहा, ये प्रश्न है आपका। यानी एजुकेशन वाले सेक्टर से प्रश्न है जो हमने सिलेबस में देखा। दूसरा सवाल है स्वयं सहायता समूह, यह मैं भी पूरा नहीं पढ़ूंगा। SHG जो हमारे सिलेबस में 5 जो कंपोनेंट है हमारे सिलेबस के सोशल जस्टिस के, उसमें जो दूसरा था विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग में स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, दानकर्ताओं, चैरिटी आदि की भूमिका, वहां से सवाल है स्वयं सहायता समूह। ठीक है, तीसरा सवाल है अति संवेदनशील वर्ग के कष्ट निवारण में। अब ये जो इश्यूज है वो है, इश्यूज है कि गरीब समुदाय के लिए सरकार विकास योजनाएं चलाती है। अब केंद्र सरकार जब कोई गरीबों के लिए विकास योजनाएं चलाती है, मान लीजिए कि SC के लिए केंद्र सरकार ने कोई योजना चलाई, केंद्र में BJP की सरकार है और दूसरे राज्य में गैर BJP सरकार है, तो गैर BJP सरकार कोशिश करती है कि उस योजनाओं को न लागू करे, क्योंकि अगर लागू करती है तो उस योजना का लाभ परोक्षतः केंद्र सरकार को जाता है। या फिर अक्सर राज्य सरकारें केंद्र को
आरोप लगाती है कि केंद्र हमारे विकास के लिए राज्य कुछ करती है, केंद्र सरकार कुछ करती ही नहीं है राज्य के विकास के लिए, ताकि राज्य में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो राज्य के लोगों के वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज कर सके। इधर केंद्र राज्य पर आरोप लगाती है कि विकास योजनाओं को राज्य एग्जीक्यूट नहीं करती है, पैसा वापस कर देती है आदि आदि। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में विकास अवरुद्ध हो जाता है, विकास रुक जाता है। यह प्रॉब्लम नहीं है शुरू से, केंद्र और राज्य के झगड़े के बीच विकास का रुक जाना। इसलिए जब नीति आयोग बनाया गया बच्चा, तो कोशिश यही रहा इस विकास की प्रक्रिया में राज्य को साथ में लेकर केंद्र चलेगा। नीति आयोग का एक प्रमुख घटक जो है टीम इंडिया का उद्देश्य ही यही है कि केंद्र राज्य के सभी राज्यों को मिलाकर एक टीम के रूप में, टीम स्पिरिट के रूप में काम करेगा और भारत के विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयास करेगा। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तीसरा सवाल है पूरा, ये जब हम ध्यान से सुनना, आप ये पूरा को मैंने पहले भी पढ़ाया था, मैंने आपको जब अर्बन डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, अर्बन प्रॉब्लम का समाधान पढ़ा रहा था पेपर वन इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, वहां पर मैंने शहरी विकास संबंधी दो योजनाएं पढ़ाई थी। पहली योजना थी स्मार्ट सिटी और दूसरी योजना थी JNNURM के जगह पर अमृत योजना। और फिर मैंने डिस्कस किया था कि भारत में शहर से संबंधित, नगर से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसका एक बहुत बड़ा कारण गांव से नगर की ओर बढ़ता हुआ माइग्रेशन, जिसने नगर में क्षमता से ज्यादा लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। परिणामतः नगर में कई तरह की समस्याएं उभर कर सामने आई है। इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, याद होगा आपको, ओवर अर्बनाइजेशन, अति नगरीकरण। और फिर हमने कहा था कि इस अति नगरीकरण की समस्या को रोकने के लिए रूरल अर्बन माइग्रेशन को रोकना जरूरी है, और रूरल अर्बन माइग्रेशन को रोकने के लिए 2003 में सरकार ने एक योजना शुरू की थी पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। और फिर मैंने कहा था किसी पूरा के जगह पर जब हमारी मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने पूरा के जगह पर एक नई स्कीम लागू की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, यही है पूरा, राइट। अब वहां पर तो हम पूरा पढ़ लिए, पूरा नहीं पढ़ना है, चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन आने के पहले 2013 में सवाल पूछा गया था, उस समय मोदी जी की सरकार नहीं आई थी और पूरा ही एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में चलाई जा रही थी। 2014-15-16 के बाद जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन से सवाल पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में पूछे गए, हमारे इंडियन सोसाइटी में ही पूछे गए, बट पहले पूरा से सवाल पूछा गया था 2013 में, वही महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की। अब हम इसी को थोड़ा दूसरे रूप में देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम सामाजिक न्याय से युक्त विकास की बात करते हैं, अगर हम सामाजिक न्याय से युक्त विकास की बात करते हैं, तो यह विकास वही कहा जाएगा जहां शहर का भी विकास हो और प्रॉपरली गांव का भी विकास हो। लेकिन हम पाते हैं कि भारत में शहर की तुलना में गांव का विकास की गति धीमी रही है, इसलिए विकास में निहित इस असमानता पर बहुत से लोगों ने विचार करते हुए दो अवधारणाओं को रखा, भारत और इंडिया, और कहा कि भारत गांव को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया शहर को रिप्रेजेंट करता है। और इन विद्वानों ने कहा था कि भारत और इंडिया के बीच की खाई लगातार बढ़ी है, यानी विकास की प्रक्रिया में शहर बहुत आगे निकल गया है और गांव बहुत पीछे रह गया है, यही कारण है कि गांव से लोगों को शहर की तरफ भागना पड़ रहा है। और यह विकास सामाजिक न्याय से युक्त विकास नहीं कहला सकता, सामाजिक न्याय से युक्त विकास तभी कहलाएगा जब गांव का भी विकास हो और शहर का भी विकास हो। इसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, इसलिए इस टॉपिक को सोशल जस्टिस वाले चैप्टर में पूछ दिया। आपको टेंशन हो रहा होगा कि तो नगरीकरण हम लोगों को पेपर वन में पढ़ना है तो यहां पर क्यों सवाल पूछा जा रहा है, इस सवाल का संदर्भ यही है।
इस सवाल का संदर्भ यही है, क्लियर हो गया होगा। तो गांव और शहर के विकास, अब भाई पॉलिटी का सवाल नहीं है, पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ नहीं है, विकास है यहां पर, आईआरबी नहीं है। यहां पर गांव और शहर के बीच जो विकास का गैप था, उस गैप को दूर करने के लिए गांव पर फोकस्ड पूरा योजना चलाई गई थी, इसी पर ही सवाल है, ठीक है। चौथा सवाल है हेल्थ से जुड़ा हुआ, और हेल्थ से जुड़ा हुआ सवाल कैसे है बच्चा, सहस्राब्दिक विकास लक्ष्य। मैंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ी चर्चा की थी कि 2000 में हमारी सरकार यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर, हमारी ही नहीं पूरे विश्व के देश यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के विश्व विकास के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, और 2000 से 2015 के बीच 15 साल में इस लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देते हैं। उन्हीं लक्ष्यों को सहस्राब्दिक विकास लक्ष्य कहा जाता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, MDG कहा जाता है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कुछ लक्ष्य, उसमें हेल्थ डेवलपमेंट भी एक लक्ष्य था। सवाल कैसे पूछ रहा, और 2015 के से लेकर 2030 तक यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में हमने SDG के लक्ष्य को निर्धारित किया, सतत विकास लक्ष्य, जिसके अंतर्गत 17 लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया जा रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल उसी से जोड़ के है, इसका मतलब है कि आपसे सवाल आज के डेट में SDG चल रहा है, सतत विकास लक्ष्य के प्राप्ति में हम लगे हुए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य से जोड़ करके आपसे हेल्थ एजुकेशन आदि से सवाल पूछा जा सकता है। ये प्रश्न हमें एक नजरिया देता है कि इस टॉपिक पर किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि उन सहस्राब्दिक विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आप MDG है तो 8 MDG में हेल्थ रिलेटेड MDG कितने हैं, पहला चीज जो स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर कह रहा है इन्हें पूरा करने के लिए, ये छोटा सा डायमेंशन होगा, इसमें तो बस केवल हम एक पैरा में कहकर निकल जाएंगे, 20-25 शब्दों में कहकर निकल जाएंगे, MDG में हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से गोल है। फिर कह रहा है कि इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सफलता की विवेचना कीजिए, मतलब सरकार इस MDG के लक्ष्य को, खास करके हेल्थ रिलेटेड लक्ष्य को प्राप्त करने में, अगर शिशु मृत्यु दर को कम करना हेल्थ रिलेटेड एक लक्ष्य है, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में, बीमारी महामारियों को कम करना एक लक्ष्य है, तो इनको प्राप्त करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां तक सफल रहा है और कहां तक सफल नहीं रहा है, इसकी विवेचना कीजिए, आपका सवाल है बच्चा। अब यह सवाल क्या बताता है, ये सवाल कह सकता है कि भारत में लिंग समानता के लक्ष्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्य को पहचानिए, उसमें लिंग समानता से संबंधित क्या क्या लक्ष्य, और भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां तक सक्षम हो पाया है, इन लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सफलता की समीक्षा कीजिए। प्रश्न बन सकता है लिंग समानता से जुड़े क्या लक्ष्य हैं, शिक्षा विकास से जुड़े क्या लक्ष्य हैं, स्वास्थ्य विकास से जुड़े क्या लक्ष्य हैं, जो 2-3-4 चीज मेजर है, महिला मेजर है, हेल्थ मेजर है, एजुकेशन मेजर है, हेल्थ पर पूछा जा चुका है, हेल्थ पर MDG से पूछा गया है, हेल्थ पर SDG से पूछा जा सकता है, एजुकेशन पर SDG से पूछा जा सकता है, अब MDG से नहीं पूछा जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट पर, जेंडर इनइक्वालिटी पर MDG से SDG से सवाल पूछा जा सकता है। ध्यान रखना होगा कि हमें इस तरह के सवाल का सामना भी करना पड़ रहा है, और फिर इसी के लिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया का क्या इस दिशा में परफॉर्मेंस है, भारत का इस दिशा में क्या परफॉर्मेंस है, भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा है। क्लियर, ये है बच्चा आपके 5 सवाल, डन। अब आ जाते हैं 2022, और 2022 में भी हम एक नजर डालते, 2022 में हम सवाल का पूरा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे, बस हम टॉपिक रिलेट करके चले जाएंगे कि किस टॉपिक से और कहां से सवाल है हमारा। 2022 में 6 सवाल पूछा गया है, 7 नंबर के, डन। 3 सवाल 10-10 नंबर के हैं, 2 सवाल 15-15 नंबर के, 7 नंबर के 6 सवाल हैं। पहला सवाल हमारा है गति शक्ति योजना, गति शक्ति योजना विकास संबंधी प्रमुख योजना है, इस योजना का उद्देश्य
ट्रांसपोर्टेशन को और हर क्षेत्र को इतना तीव्र कर देना है कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाए। यह भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और 22-23 के बजट में गति शक्ति मिशन के रूप में इस योजना को फिर से इंट्रोड्यूस की है सरकार ने। और सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में अभी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बच्चा, गति शक्ति योजना के बारे में सवाल पूछ रही है, मतलब यहां पर इस तरह की योजनाओं से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगता पर सवाल है। दिव्यांगता एक अति संवेदनशील वर्ग है, दिव्यांग और दिव्यांग जन के बेहतरी और रक्षोपाय के लिए आपके टॉपिक में दिया हुआ था सिलेबस में, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट के लिए सरकार ने क्या कानून बनाया है, सरकार ने क्या संवैधानिक प्रावधान किया है, कोई आयोग कोई निकाय कुछ है क्या, है क्या कर रही है, ये सारी चीजें आपको जाननी है, सिलेबस में लिखा हुआ। और वहां पर दिव्यांग से जो सवाल है वो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, उसकी समीक्षा करनी है कि दिव्यांगजन के अधिकारों को प्रदान करने में कहां तक सफल रहा है कहां तक सफल नहीं रहा। क्लियर। तीसरा सवाल है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, खास करके ये देखा गया कि विकास के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही है और उसी प्रक्रिया में सबको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स जो गरीब तबके के लिए है उनके लिए फ्री में गैस आदि आदि, तो बिचौलिए खा जाते थे उन तक नहीं पहुंच पाता था, इसलिए सरकार ने कोशिश किया कि ये उन्हीं के अकाउंट में जाए, तभी सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी। कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन रहा था और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लेकर के आया गया। अब सवाल इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से जुड़ा हुआ है बच्चा, तो आप समझ सकते हो कि जो मैकेनिज्म है उसकी समीक्षा भी हमें करनी पड़ सकती है सामाजिक न्याय के उद्देश्यों के कंटेक्स्ट में। डन। मैंने कहा कि एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार। अब वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार का एक प्रभाव है आर्थिक प्रभाव जो इकोनॉमी में आप पढ़ते हो, एक प्रभाव है भारतीय समाज पर प्रभाव जो सिलेबस में दिया हुआ है। और याद करो मैं वहीं पर एक डायमेंशन छोड़ दे दिया था कि एक है सामाजिक न्याय के लक्ष्य पर प्रभाव, और जब वैश्वीकरण को हम सामाजिक न्याय के साथ जोड़ते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम सामाजिक न्याय के साथ जोड़ते हैं, तो हमने पहले भी कहा था कि मिश्रित मॉडल शुरू में हम समाजवाद की तरफ झुकते थे, मतलब सामाजिक न्याय की तरफ, लेकिन जैसे हम पूंजीवाद की तरफ 1991 में झुक गए, पूंजीवाद का कैरेक्टर क्या है, लाभ है, यहां ग्रोथ रेट तेज होता है, और नुकसान है यहां सामाजिक न्याय कमजोर होता है। निश्चित तौर पर वैश्वीकरण का सामाजिक न्याय के आदर्श पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सरकार की जो नीतियां हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की आर्थिक नीति, उसकी भी सामाजिक न्याय के कंटेक्स्ट में समीक्षा यहां पर पूछा जा सकता। इसके बाद अगला सवाल है हमारा वंचित वर्गों और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी बहुत क्लियर है। पांचवा सवाल है हमारा दाता अधिकरण, हमने कहा था ना कि विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग में एनजीओ एसएचजी डोनर्स चैरिटी, तो यही चैरिटी है डोनर्स से दाता अभिकरण पर सवाल है। तो याद रखिएगा एनजीओ और एसएचजी के साथ डोनर्स पर भी सवाल पूछा जा सकता है, इस तरह का सवाल है एक पूछा गया, ठीक। दाता अभिकरण डोनर्स एजेंसीज, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है। अब इस प्रश्न की समझ तो हम पढ़ेंगे तब होगा, बस हम यहां टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं कि किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसके बाद छठा सवाल है एजुकेशन से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ओके ये हमारा टॉपिक है।
द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये एजुकेशन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और खास करके प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, उनके अधिकार से जुड़ा हुआ है। 2009 क्लियर है, 2022, 2023 देखते हैं हम लोग, 15 नंबर का यह भी सवाल है। 2023 में 6 सवाल है और ये 6 सवाल 80 नंबर के, 80 नंबर का मतलब होता है 4 सवाल 15 15 नंबर वाला है, तो 4 सवाल 15 15 नंबर वाला है का मतलब 60 नंबर, और 2 सवाल 10 10 नंबर का है मतलब 20 नंबर, 60 और 20 80 नंबर। इस सवाल को भी हम देखते हैं, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। 2023 में जो सवाल पूछा गया है बच्चा, वो पहला सवाल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे है, और याद कीजिएगा संजोग से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे सवाल, मानव विकास पे सवाल इंडियन सोसाइटी में भी पूछा गया इसी 2023 में। तो कई बार कुछ चीजें जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो हर जगह उससे सवाल बनाए जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सवाल बनाने वाला पूरे जीएस का एक ही आदमी नहीं होता। तो अगर सवाल बनाने के लिए अगर किसी टॉपिक पर या जनरल पॉलिटी के लिए अगर किसी टीचर को देते हो सवाल, इंडियन इकोनॉमी के लिए देते हो, सोसाइटी के लिए देते हो, तो जो चर्चित मुद्दे हैं हर विषय का विशेषज्ञ अपने संदर्भ में उस पर सवाल बना सकता है। यही कारण होता है कि एक ही टॉपिक पर दोनों तीनों पेपर में सवाल पूछ दिए जाते हैं। आप देख लो पेपर वन में 2023 में इंडियन सोसाइटी में ह्यूमन डेवलपमेंट से सवाल, और यहां पर भी ह्यूमन डेवलपमेंट से सवाल, ये 2023 का सवाल है 10 नंबर का। ओके, यहां कह रहा है कि मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष है, जो होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल है प्रतिस्पर्धा आयोग। अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास में प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से इंडिया में आ रहा है, और बहुत तेजी से इंडिया में आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन जब इतना तेजी से बढ़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर प्राइस पे कंट्रोल कर लेता है, और प्राइस पे कंट्रोल कर लेता है तो गरीब तबकों तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, गरीब तबका वंचित हो जाता है। तो कंपटीशन में संतुलन बना रहे, कंपटीशन से विकास को प्राइवेट सेक्टर पर रेगुलेट किया जाए, क्योंकि एक तरफ रेगुलेशन कम किया गया, जरूरत पड़ी कि भाई रेगुलेट किया जाए ताकि सामाजिक न्याय के आदर्श की प्राप्ति बिल्कुल बाधित नहीं हो। इसी के लिए 2002 में कंपटीशन आयोग का गठन किया गया। अभी हाल में आपने सुना होगा कि इसने 11 सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को फाइन किया। बच्चा लोग, हुआ क्या कि 11 सीमेंट बनाने वाली कंपनियों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, संगठन बना लिया, सीमेंट कंपनियों में कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन होता है तो फिर प्राइस वार होता है। एक सीमेंट कंपनी कहती है कि मैं 500 रुपए बोरा दूंगी सीमेंट का, तो दूसरी कहती है कि मैं 400, तीसरी कहती है मैं 350, चौथी कहती है मैं 300, पांचवी कहती है मैं 250। इस प्राइस वार में कंज्यूमर को फायदा होता है, कस्टमर को फायदा होता है। ओला आया, उबर आया, इतने सस्ते में राइडिंग देनी शुरू कर दी कि कस्टमर को फायदा हुआ। अगर 20 किलोमीटर तक जाने के लिए कस्टमर को पहले 2000 रुपया टैक्सी का देना पड़ता था, आज वो 300, 400, 500, 600 में जा रहा। लेकिन क्या ओला उबर फायदे में है? तो उत्तर है कि नहीं, इन्होंने बर्न किया है पैसे को इसलिए ताकि मार्केट पर कब्जा कर सके। कोचिंग के फील्ड में ढेर सारे फंड लेकर के लोग आए, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ बर्न किए, सस्ते में उन्होंने पाठ्यक्रम को लॉन्च किया, कस्टमर को फायदा हुआ, बच्चों को फायदा हुआ। लेकिन अगर ये सारे मिल जाए तो यही हुआ, सीमेंट की 11 कंपनियां आपस में मिलकर एक संगठन बनाती है, और संगठन बना के कहती है कि अरे मूर्खों, हम लोग आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्राइस को कम कर रहे हैं, कस्टमर को फायदा हो रहा, हम लोगों को घाटा हो रहा,
तो हम लोग आपस में मिलकर तय कर लेते हैं कि हम लोग 500 रुपया से कम नहीं करेंगे, ना तुम करोगे ना हम करेंगे, ना वो करेगा ना वो करेगा। एक कमिटमेंट करो कि 500 रुपया बोरा से सीमेंट कम नहीं करेंगे, मार्केट में हम ही लोग हैं जिनको सीमेंट खरीदना है, मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा और हम दोनों लोग फायदे में रहेंगे। जब ये पता लगा तो कंपटीशन आयोग ने इसकी जांच की और जांच करके इनके लिए दोषी पाया और इन पर फाइन किया। अब समझ में आ चुका होगा कि कंपटीशन आयोग की क्या भूमिका है और आज के डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों में प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है, एनजीओ एसएजी सब शामिल है। तो प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उनका नुकसान जनता को ना हो, कंज्यूमर को ना हो, इस बात को ध्यान रखने के लिए एक कंपटीशन आयोग बनाया गया। इसी के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा गया है। तीसरा सवाल है बच्चा लैंगिक न्याय पर। लैंगिक न्याय समझ में आ रहा? लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए, मतलब महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है उसकी समीक्षा करनी है, क्या अप्रोच है हमारे सरकार का उसकी अपेक्षा का मूल्यांकन करनी है। यह भी समझ में आ गया होगा कि अति संवेदनशील वर्ग, महिला और महिलाओं के कंटेक्स्ट में न्याय, इसको लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस है और इसी से सवाल हमारा पूछा गया। ठीक है, जेंडर जस्टिस। ठीक है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या। और चौथा सवाल भी बच्चा वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाओं से है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन बाई इट्स नेचर एंड आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच, डू यू एग्री? वंचितों के विकास और कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती है। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। समाज का एक तबका है महिला, कमजोर तबका है, और महिलाओं के विकास के लिए आजादी के बाद सरकार के लोग बैठे, पॉलिसी बनाने वाले बैठे, महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने महिला विकास नीति बनाई। इस नीति को कल्याणकारी नीति कहा गया। इन्होंने महिलाओं के विकास के लिए सोचा, इन्होंने माना कि भाई महिला कमजोर तबका है, इनका उत्थान होना चाहिए, इनका विकास होना चाहिए, और इनके विकास के लिए नीति बनाई गई। उसी नीति के अकॉर्डिंगली इनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्कीम्स बनाए गए। क्या किया गया बच्चा? इनके शिक्षा विकास के लिए पर बल दिया गया और इनको होम साइंस की शिक्षा पर बल दिया गया। होम साइंस मतलब पूरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, हलवा बनाओ, रसमलाई बनाओ, खीर बनाओ, पहले गुरुजी को खिलाओ, पास हो जाओ, फिर जाकर पति को खिलाना, सास ससुर को खिलाना, बच्ची को खिलाना। उनके लिए सिलाई कटाई बुनाई केंद्र खोले गए, इनको इन सब चीजों की सिलाई कटाई बुनाई की ट्रेनिंग दी गई, इनके लिए सब्सिडाइज रेट पर सिलाई मशीन बांटा गया। अब ध्यान से देखो, 1970 का दशक वैश्विक स्तर पर महिला आंदोलन का दशक था, रेडिकल फेमिनिज्म का उभार हो चुका था दुनिया में, पूरी दुनिया में महिलाएं आंदोलन रत हो चुकी थी और उग्रता से रत हो चुकी थी। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया, 1975 से 1985 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया। भारत में भी 1974 में महिलाओं पर, महिला विकास पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पता है उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में भारत सरकार की महिला विकास नीति की और महिला विकास कार्यक्रमों की जमकर क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई, और कहा गया कि यह नीति और कार्यक्रम महिलाओं को एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी मां बनाकर घर की चार दीवारी में बंद रखने वाली है। महिला विकास की जो नीति और कार्यक्रम बनाए हैं लोग, वो पुरुष रहे हैं और बनाने वालों पर पैट्रियार्की का प्रभाव रहा है। महिला विकास नीति और कार्यक्रम भेदभाव से पूर्ण रहा है। क्लियर हो चुका होगा बच्चा? तो इस तरह से कई बार विकास
नीति और कार्यक्रमों में भेदभाव दिखाई देता और भारत के बहुत सारे सेक्टर में डेवलपमेंट पॉलिसी और स्कीम्स पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि बाई नेचर इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। आरोप आपसे एक सवाल है, ये आरोप है भैया, क्या आप सहमत हैं? अगर सहमत है तो कारण दीजिए, सहमत नहीं है तो कारण दीजिए। इसका मतलब है कि यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस विषय पर तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। पांचवा प्रश्न जो है वो स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने से कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है, स्किल डेवलपमेंट से है। एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट। और हमारा पांचवा प्रश्न जो है वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, खास करके विधानसभा और संसद में महिलाओं का आरक्षण। जब हम महिलाओं के या लिंग असमानता को दूर करने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण, शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण। और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण तभी माना जाएगा जब विधानसभा में, संसद में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाई जाए। अगर पूरी दुनिया या पूरे भारत में 50% महिला है तो यहां पर भी 50% दिखनी चाहिए। पंचायती राज में तो हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, लेकिन अभी भी विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। हमारे संविधान का आर्टिकल 330 और 332 याद होगा आपको, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। 335 नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है, लेकिन इसमें महिलाओं के आरक्षण का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। उसी से जुड़ा हुआ यह आपका लास्ट सवाल है, ठीक है? ये था सिलेबस पे एक चर्चा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक चर्चा। मैंने आपको इसका पीडीएफ भेज दिया है बच्चा लोग, आप हमें रिस्पांस दे, पीडीएफ मिला यस तो यस लिखे, नो तो नो लिखे। मैंने आपको इसका पीडीएफ आज ही भेजा है, भेजने को दे दिया है इस स्लाइड का, तो ये पीडीएफ आपको मिल चुका होगा, डन। वहां पर बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा, तो एक बार देख लीजिएगा, उसकी एनालिसिस आप कर लीजिएगा, पूरी की पूरी प्रश्नों की एनालिसिस कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके पास सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपके पास जीएस पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर का सिलेबस रटा हुआ हो। मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इंडियन सोसाइटी का सिलेबस रटा हुआ हो और प्रीवियस ईयर क्या क्या इंडियन सोसाइटी के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं ये बिल्कुल दिमाग में हो, हर सेक्शन से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दिमाग में। और मैं फिर से आपसे कुछ मांगता हूं, गुरु दक्षिणा, और हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि आप सोशल जस्टिस का सिलेबस भी रटे रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके दिमाग में हो, क्योंकि जब ये रहेगा तो मेरे लिए मेरी दक्षिणा लाभकारी तब होगी जब मैं पढ़ाऊं और कम्युनिकेट हो, जब मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में आए, जब मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में आए तब आपको मजा आएगा। अगर मैं पढ़ाता हूं और आपको समझ में नहीं आता है, आपको मजा नहीं आता है, आप दुखी हो जाते हो, तो फिर मेरा इतना मेहनत करने का क्या फायदा? फिर तो मैं पढ़ाते समय कोशिश करूंगा कि आपको खुश रखने के लिए पढ़ाऊं। और मैंने पहली बार जब आपके सामने मैं आया था तो मैंने यही पूछा था कि आपको यूपीएससी पास करने के लिए मैं पढ़ाऊं या आपको खुश करने के लिए पढ़ाऊं। इतना मैच्योर हूं, 55 साल उम्र है हमारी, इतनी तो समझ रखता हूं कि आपका परसेप्शन मैनेजमेंट कैसे करना, आपको कैसे खुश रखना है। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे क्लास में जो भी ऑनलाइन बच्चे क्लास कर रहे हैं अभी वो नए बच्चे हैं। अब नए बच्चों को अगर हम टफ चीजों में लेकर जाते हैं तो बहुत खुश नहीं होते, ज्यादा पढ़ने को कहते हैं तो भी वो बहुत खुश नहीं होते हैं। मम्मी पापा कह के थक गए, टीचर कह के थक गए, मैं कहूं और आप खुश हो, ऐसा संभव नहीं है। पर सच्चाई यही है बच्चा कि आपका क्रूशियल स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है आपका। आपका टेंथ दोबारा अब आ पाएगा क्या? क्या चाह के भी आप टेंथ में 98%, 96%, 90% ला पाओगे क्या? क्या चाह के भी आपका 12th फिर से आ पाएगा क्या? 98%, 96%, 90% ला पाओगे क्या? वो आपका निकल चुका है,
जो मिस्टेक आपने वहां किया यहां नहीं। अब आप वैसे इंपॉर्टेंट स्टेज में हो, यहां पर आप अगर मिस्टेक करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको खुश करने के बजाय सच्चाइयों से अवगत कराऊं। जो रियल सिनेरियो है वो देखो, भारत के सबसे प्रेस्टीजियस एग्जाम ये यूपीएससी का एग्जाम, सीएससी का एग्जाम, सिविल सेवा परीक्षा, इसका जब रिजल्ट आता है ना तो बच्चा आपकी जिंदगी बदल जाती है। जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है, पूरा आपका और परिवार का स्टेटस बदल जाता है। तो इतना आसान कैसे हो सकता है? और अगर मैं आपको कहूं कि बहुत ही आसान है, ऐसे ही हो जाएगा, इसका मतलब है कि पहले ही दिन मैंने आपके एफर्ट को रोक दिया। पहले ही दिन मैंने आपके एफर्ट में जो तीव्रता होनी चाहिए थी उसको मैंने रोक दिया, ब्रेक कर दिया। दो साल अगर धीमी गति से आप प्रयास करते हो और दो साल बाद जब आपको समझ में आएगा तो आप दुखी होंगे। इसलिए आज मेरे वाक्यों से, मेरे बातों से, मेरे तरीके से थोड़ा सा दुख हो रहा हो, मुझे क्षमा करना। बट ये मैंने आपके लिए इस स्टेज पर मैं खड़ा हूं, इस स्टेज पर एक शिक्षक के कुछ नैतिक दायित्व भी है। उन सब चीजों को ध्यान में रख करके मैं कोशिश करता हूं कि 10 दिन कम नहीं 10 दिन ज्यादा पढ़ाऊं, डायमेंशन कम करके नहीं पढ़ाऊं, बढ़ा के पढ़ाऊं। मेरे लिए लाभकारी क्या है? मेरे लिए लाभकारी है कि कम दिन में खत्म कर दूं। मैं अगर किसी टॉपिक को 10 दिन में पढ़ाता हूं, उस टॉपिक को 5 दिन में खत्म कर दूंगा तो मेरा समय बचेगा, मैं उस 5 दिन का दूसरी जगह पर उपयोग करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में गिल्ट फील होगा कि नहीं, हमने चीट किया। इसलिए अगर 5 दिन की जगह 10 दिन पढ़ाना पड़े, अगर जो सिलेबस 30 दिन में खत्म होने वाला है उसको अगर हम 35 दिन देते हैं बच्चा, तो इसको एहसास आपको तब होगा जब आपका थोड़ा सा इस फील्ड में आपका थोड़ा समझ बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप इसके लिए हमें क्षमा करना, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आप पूरी ताकत लगाओ। जब हम लोग खेल रहे हैं तो एक बार जम कर खेले, फिर तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ये पक्का है। मैं नहीं दावा करता हूं कि आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, भगवान करे आप सब बनो। लेकिन यार 1000 पोस्ट आईएएस का है प्रतिवर्ष, 3 से 4 हजार पोस्ट पीसीएस का है, 4-5 हजार पोस्ट प्रतिवर्ष आ रहा है और आपको एक चाहिए, तो पूरी ताकत लगाओगे तो एक क्यों नहीं मिलेगा यार, पक्का मिलेगा। स्वगेन ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम क्लास खत्म करते हैं और कल से हम लोग अपने टॉपिक पे क्लास को शुरू करेंगे, सिलेबस पे क्लास को शुरू करेंगे। और कल का हमारा जो पहला सिलेबस होगा वो मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ये हमारा 5 टॉपिक में पहला टॉपिक है और पहला टॉपिक आपको एक आउटलाइन देगा। पहला टॉपिक थोड़ा सा हमारा देर से होता है क्योंकि हम एक नए विषय में आपको लेकर जाते हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, हमको एक ओवरऑल समझ देनी होती है। तो शुरुआत थोड़ी सी हमारी लंबी होगी, इसके बाद फिर जब हम ट्रैक को पकड़ लेंगे तो काफी हद तक हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको इंडियन सोसाइटी में ट्रैक पकड़ा दिया है बच्चा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि कल से आपको दिक्कत नहीं होगी, कल से हम लोग शुरू करते हैं। तो सर जस्टिस, सो थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं हम लोग। डन डन। बच्चे हमारे पूछ रहे ऑप्शनल 19 तारीख से सोशियोलॉजी ऑप्शनल में शुरू करने जा रहा हूं बच्चा, 19 दिसंबर से सोशियोलॉजी ऑप्शनल शुरू करने जा रहा हूं। आपके ऐप पर मेरे ख्याल से सूचना चली गई होगी और मैंने डेट भी दे दिया है, 9 बजे सुबह, 19 दिसंबर सुबह 9 बजे से, ठीक है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।